प्लीज ड्यू शेयर विद वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर यीपेरेशन क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं ऑल द बेसिक्स राइट फ्रॉम जीरो आप मैच बैकग्राउंड से हो नॉन मैच बैकग्राउंड से हो ड मैटर ऑल द मॉडल एक्सरसाइजेस एडिशनल क्वेश्चन बैंक पास्ट ईयर क्वेश्चन फॉर प्रीवियस ट्वेल्व ईयर एटलीस्ट एंड ऑल द मॉकटेस्ट पेपर्स यू गेट माई कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट मैच टैच उसमें पीवाड है वो जो कलर प्रिंटेड हैंड रिटन नोट्स है बहुत मक्खन है यार पेट भर के टेस्ट सीरीज है you can ask any number of doubts you get a study plan everything is all included so if you plan to join please drop a whatsapp message on this number my team will share the details chaliye bhai start karte hain sabse pehle we will be doing business maths then logical reasoning then statistics ek cheez please note karna aapka jo actual foundation ka exam hoga मैथ्स stats, LR आर वाला पेपर उसमें क्वेश्चंस पूरे रैंडम ऑर्डर में आएंगे ऐसे सेक्शन वाइज नहीं होते पहले मैथ्स फिर एल फिर स्टार्ट ऐसा नहीं होता है पहला क्वेश्चन स्टार्ट का दूसरा एल का फिर स्टार्च का लास्ट चैप्टर मैथ्स का सब पूरा मिक्स होता है यार चलिए क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यूफ पी बाई क्यू इक्वल टू सेवन ये अपने शॉर्टकट ट्रिक वाला तरीका क्या बोला पी बाई क्यू सेवन है इसको आंसर लिख सकते हैं सेवन अपऑन वन तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं पी के जगह सेवन एंड क्यू के जगह वन इसमें पुट कर देंगे तो इसका वैल्यू चाहिए चलिए पी के जगह सेवन क्यू के जगह वन P के जगह सेवन Q के जगह वन तो सेवन प्लस वन इज एट एट अपॉन 6, सिक्स इफ यू रेड्यूज द फ्रैक्शन टू से कटेगा टू फोर जा टू थ्री जा तो आंसर फोर बाय थ्री क्लियर अगर आपको दूसरे तरीके से करना है तो आप ऐसा कर सकते हो आपने बोला P बाय क्यू इज इक्वल टू सेवन सो इधर से Q उधर गया तो P इज इक्वल टू सेवन क्यू नाव यू पुट दैट इन द गिवन एक्सप्रेशन तो P प्लस क्यू वॉट इज P? सेवन क्यू तो सेवन क्यू और Q के जगह Q रख दीजिए P के जगह सेवन क्यू और क्यू के जगह क्यू सो दिस इज एट क्यू बाय क्यू 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 कैंसिल, अगेन आर गेटिंग टू कैसे भी करिएट फोर बाई थ्री क्लियर टू वाई बाई थ्री इज इक्वल टू जेड बाय सेवन देन वैल्यू ऑफ टू एक्स माइनस फाइव आई प्लस फोर सेवन द होल अपॉन टू अपने फर्स्ट चैप्टर में ही किया वायटी टाइप का क्वेश्चन आप डायरेक्ट ऐसा एक्स के जगह टू वाई के जगह थ्रीड के जगह सेवन पुट कर सकते हैं या तो ऐसा लिख दो यार

सेवन पुट कर दीजिए इज दिस क्लियर एक्स के जगह टू वाई के जगह थ्री जेड के जगह सेवन इन दिस एक्सप्रेशन लेट्स डू दैट तो एक्स के जगह आपने पुट किया टू टू इंट टू माइनस फाइव इंटू वाई के जगह थ्री प्लस जेड के जगह सेवन द होल अपॉन टू वाई वॉट इज वाई थ्री सो कैन यू सॉल्व दिस टू टू जो फाइव थ्री फिफ्टीन फोर सेवन ज़ ट्वेंटी एट द होल अपॉन सिक्स ट्वेंटी एट और फोर थर्टी टू थर्टी टू माइनस फिफ्टीन इज सेवनटीन सो सेवनटीन फाई सिक्स सुपर इजी क्लियर <coughs> है राइट right? जम रहा है तो क्वेश्चन ईजी है एक्चुअली चलिए इफ एक्स इज टू वाईज थ्री बाई फोर देन द वैल्यू ऑफ अगेन आप क्या करने वाले सर एक्स के जगह थ्री पुट करेंगे वाई के जगह फोर चल भाई पुट कर एक्स के जगह थ्री सो थ्री का स्क्वायर इंटू वाई इज फोर प्लस ये थ्री इंटू वाई मतलब फोर का स्क्वायर इज टू मीन्स द होल अपॉन थ्री का क्यूब प्लस वाई मीन्स फोर का क्यूब सो मच इज दिस थ्री थ्री इज आ नाइन नाइन इंटू फोर थर्टी सिक्स कर दे फोर फोर जो सिक्सटीन थ्री जो फोटी एट द हो का क्यूब थी 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 ट्वेंटी फोर फोर जा, 64 फोर जो सिक्सटी फोर आप चाहिए तो सब कुछ कल्स में डाल सकते हैं नॉट एन इशू जैसे भी आपको ठीक लगे यू कैन डू यार. तो न्यूमरेटर करना है तो ऐसा कर दिया थ्री इंटू थ्री इंटू फोर इक्वल टू और थ्री इंटू फोर इंटू फोर इक्वल टू जी टी दबाया वी गेट एटी फोर इन द न्यूमरेटर और थर्टी सिक्स प्लस फोर्टी एट इज एटी फोर ठीक है डिनोमिनेटेड ट्वेंटी सेवन प्लस सिक्सटी फोर कम्स आउट टू बी 91 वन अब ये कौन सा ऑप्शन द आप डायरेक्ट में इसको सॉल्व कर सकते हैं एटी फोर डिवाइड बाई वन एंड विच ऑप्शन और एल्स आप कैंसिल कर सकते हैं ये सेवन के टेबल में जा रहे हैं सेवन वन जा सेवन सेवन टू जै फोर्टीन सेवन वन जा सेवन सेवन ट्वेंटी वन ना सेवन थ्री जै ट्वेंटी वन सो अब आंसर इज ट्वेल्व बाई थर्टीन ठीक है या तो आपने इसको कैल्सियम में डाला है दैट्स फाइन एटी फोर डिवाइडेड बाई नाइन्टी वन कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट नाइन टू थ्री कौन सा ऑप्शन है ये 13 12, तो आएगा 12 13 बाई थर्टीन जीरो द आंसर इज ऑप्शन बी सुपर इजी चल नेक्स्ट इफ ए रेस टू एक्स इज बी बी रेस्ट टू वाई सी सी रेस टू जेड इज देन एक्स वाई जेड इज ये अपन ने मेरे को लगता है यार मॉड्यूल uh, में एक्सरसाइज एंड क्यू बी में भी ऐसे एकदम डिट्टो क्वेश्चन अपन ने है ऑलरेडी तो वेज इन चैप्टर वन हैव डन दिस बी बी रेस्टू वाई दिए सी एंड सी रेस्टू जेड दिया है a और आपको वैल्यू मांगा है एक्स वाई जेड देखो अभी एक से स्टार्ट करते हैं बिकॉज वी हैव द वैल्यू ऑफ b c a एवरी वैल्यू वी हैव एक से स्टार्ट करते देखो ए रेस टू एक्स मैंने लिया है b ठीक है a की वैल्यू मेरे को पता है सी रेस टू जेड लेट्स पुट हियर सो a के जगह पर लेट्स पुट सी रेस टू जेड द होल रेस टू x तो आएगा समझा क्या किया a के जगह डाला सी रेस्टू जेड पावर मल्टीप्लाई होगा z into x is x z. Let's write that alphabetically. अब c पता है आपको b raised to y. तो ये c के जगह put किया b raised to y. वो power तो as it is रहेगा. Power multiply हो गया क्या हुआ? b raised to y into x into z is x y z is equal to b. कुछ नहीं है power में मतलब one है. When the base is same on the both sides and there is an equal to sign in the between, अपन ये दोनों का power equate कर सकते हैं तो आपने क्या बोला? x y z तो कितना? One.

थ्री एंड टेन सो वन ट्वेंटी है तो ट्वेल्व इंटू टेन हो जाएगा क्लियर ये चाहिए तो लिख देता हूँ मैं वन ट्वेंटी कैन बी रिटन एज ट्वेल्व इंटू टेन तो टेन तो अपन को यूज़ करना है अब ट्वेल्व किसके रेफरेंस से बनाएंगे टू और थ्री बिकॉज दो वैल्यूज आर गिवन सो वॉट इज ट्वेल्व टू इंटू टू इंटू थ्री अरे जमरा की नहीं टू टू जी फोर थ्री ट्वेल्व तो ये टू स्क्वायर इंटू थ्री इंटू टेन होगा तो बस आपने बोल दिया आंसर log ऑफ वन ट्वेंटी टू द बेस टेन कैन बी रिटर्न एज लॉक ऑफ वॉट इज वन ट्वेंटी टू का स्क्वायर इंटू थ्री इंटू टेन अब अपन क्या यूज करेंगे बेटा 10, log 10, log 10 10. अब क्या बोला ए टू टू उड़ी मार आगे सो so ये ऐसा हुआ टू लॉग ऑफ टू टू देश प्लस लॉग थ्री टू द बेस्ट प्लस लॉग टेन टू द बेस एन Do we have the values? Oh yes, log 2 to the base 10 is x. So 2x plus 2 कितना y plus log 10 to the base 10 is 1. Log of anything with the same base ya apne bhasha mein log of kuch to with the same कुछ तो the base is always equal to 1. Log a to the base a 1. to apna answer kya 2x plus y plus 1. एक चीज समझना यार ये जब अपन MTP discuss कर रहे हैं I am solving each and everything in detail. सच दैट आपको सब चीज़ें समझे आई एम मेकिंग यू अंडरस्टैंड सो मैं थोड़ा डिटेल में सॉल्व करूंगा आप quickly करना है ऐसा मत बोलना, रहा time इथ नॉट टाइम आई एम एक्सप्लेनिंग यार क्योंकि हो सकता है कि बहुत सारे कुछ लोग हैं जिनको नहीं समझता है नहीं आ रहा है हो सकता है, तो जस्ट फॉर दैम आई एम एक्सप्लेन ये हुआ एक तरीका यार दूसरा तरीका अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप रिवर्स ट्रिक कर सकते हैं ना तो जैसे मैं डायरेक्ट आंसर वाला लेता तो जैसे लेट्स अज्यूम वी आर डिस्कसिंग ऑप्शन बी ठीक है तो बी ऑप्शन में अपन ने लिया टू एक्स प्लस वाई प्लस वन एक्स के जगह वैल्यू पुट कर दी लॉग ऑफ टू टू log ऑफ वाई कौन है लॉग ऑफ थ्री टू द बेस 10 अब ये क्या किया अपन ने सर सबका बेस टेन है तो वन को अपन ने किया है भाई क्या लॉग ऑफ टेन टू द बेस टेन अब आपने क्या बोला ए टू टू सर पे जा तो क्या बनेगा टू का स्क्वायर तो फाइनली क्या हुआ लॉग ऑफ टू का स्क्वायर थ्री और टेन लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी इंटू सी सो टू स्क्ट सो वॉट इज दिसन जो वन ट्वेंटी वी आर गेटिंग दैट तो डी ऑप्शन करेक्ट है तो रिवर्स टिक वाइज भी आप जा सकते हो इफ इन केस यू डोंट वॉन्ट टू डू दिस हे तो वो ई आर बट स्टिल नेक्स्ट द सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ ऐसे क्वेश्चन भी सिंप्लीफाई करने वाले आते हैं राइट तो आपको इधर करना क्या है ये सब लॉग को मिक्स करके एक टर्म बनाना है फिर लॉग गायब हो जाएगा बिकॉज ऑप्शन में लॉग नहीं है लेट्स डू दैट तो कैसे करना पड़ेगा ये सब अगर लॉग अपन को मिक्स करना है तो ये सबका आगे कुछ नहीं होना चाहिए मीन्स ये ऐसा ये टू फाइव के सर पे चल जाएगा यह हाफ फोर के सर पे चल जाएगा सो वॉट विल दिस बिकम एज पर द लॉग प्रॉपर्टी ओके टू गया सर पे सो लॉग ऑफ फाइव का स्क्वायर टू द बेस्ट एन आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्लस लॉग ऑफ एट टू द बेस्ट एन एज इट इज माइनस लॉग ऑफ पावर टू द बेस है अब आपने क्या बोला जो एडिशन में है वो लॉग मल्टीप्लाई हो जाएंगे और जो सप्ट्रैक्शन में वो डिवाइड हो जाएगा तो ये कैसे बोला लॉग ऑफ ए प्लस लॉग बी इज लॉग ऑफ ए इंटू बी अपॉन जो सब्रैक्शन में वो डिवाइड फोर का रूट द होल बेस बेस्ट है आप इधर इसको ट्वेंटी फाइव लिख दो और ये ए फोर का रेस टू हाफ ऑफ स्कोर विच इज टू ओके चलिए इधर डाल दे ट्वेंटी फाइव इन टू एट अपॉन फोर का फोर रेस टू हाफ मीन्स टू एंड ऑफ फोर बीच इज टू विद द बेस्ट टेन ट्वेंटी फाइव एट में करना ट्वेंटी फाइव एट ज़ा हंड्रेड होगा राइट ट्वेंटी सॉरी टू हंड्रेड होगा रही सो सॉरी ट्वेंटी फाइव फोर ज़ा हंड्रेड ट्वेंटी फाइट ज़ा टू हंड्रेड ट्वेंटी फाइव एट ज़ा टू हंड्रेड और टू हंड्रेड को आप टू से डिवाइड करेंगे तो हंड्रेड आ जाएगा तो इधर से क्या है आपको लॉग ऑफ हंड्रेड विद द बेस्ट टेन ये समझे ना कैसे ट्वेंटी फाइव एट टू हंड्रेड टू हंड्रेड डिवाइड बाई टू इज हंड्रेड अब इसको कैसे लिखा ये हंड्रेड को टेन का स्क्वायर लिख दूं मैं क्योंकि मेरे को लॉग गायब करना है ये दोनों सेम है बहुत बढ़िया टू ने मारा उड़ी आगे टू लॉग ऑफ टेन टू द बेस टेन टू कितना वन सो टू वन सो टू सो वॉट्स माई आंसर क्लियर लॉग ऑफ ए प्लस बी बाई फोर इज इकल टू हाफ लॉग ए प्लस लॉग बी देन ए बाई बी प्लस बी बाई वेरी गुड क्वेश्चन ये अपने फर्स्ट चैप्टर के पी वाई क्यू में अपन ने किया है देन ए क्यू बी में भी ये क्वेश्चन है यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है एक्चुअली चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन ने किसका वैल्यू मांगा ए बाई बी प्लस बी बाई मतलब लॉन्ग टर्म शुड नॉट बी देर तो अपन को ये दोनों साइड लॉक कंपेयर करना है मतलब इक्वलिटी ऑफ लॉक जैसे यूज़ करना है सबसे पहले ये दोनों लॉक को मिक्स कर दू

दोनों साइड एक लॉग है उनके आगे कुछ नहीं एंड देर इज एन इक्वालिटी तो वी कैन इक्वेट द आर्ग्यूमेंट्स तो इधर से आपने क्या बोला ए प्लस बी बाई फोर इज इक्वल टू ए बी रेस टू हाफ अपन को पावर में हाफ नहीं चाहिए क्योंकि जब भी, भी ऐसा फ्रैक्शनल पावर आता है अपन उसको निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स ये कैसे समझता है अगर हाफ है तो इसको अपन को टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी ये कटेगा सो इन शॉर्ट वॉट वी आर डूइंग स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स तो इधर क्या हो गया ए प्लस बी अपॉन फोर द होल स्क्वायर और इधर ए बी रेस टू हाफ द होल स्क्वायर टू टू कटा तो सिर्फ ए बी बचा मैंने अभी शो किया था राइट आपको नाउ ये स्क्वायर किसका सबका तो ऊपर ए प्लस बी द होल स्क्वायर हो जाएगा नीचे फोर का स्क्वायर सिक्सटीन नाउ ए प्लस बी द होल स्क्वायर लेट्स यूज द्लस टू ए बी प्लस बी स्क्र सिक्सटीन उधर गया तो सिक्सटीन ए बी हो गया इज दिस क्लियर नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं सब टर्म्स एक जैसा रखते हैं टू ए बी उधर गया तो सिक्सटीन ए बी माइनस टू ए बी विल बी फोर्टीन ए बी तो इधर क्या हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्र ई सिक्सटीन ए बी में से टू बी गया उधर सब 14ab फोर्टीन ए बी अब क्वेश्चन को किसका वैल्यू चाहिए ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए प्लस तो है अपन को क्या चाहिए ए डिवाइडेड बाई बी अगर इधर नीचे बी चाहिए तो ये देखो ध्यान से समझना अगर नीचे ए बी से मैंने डिवाइड किया एक ए एक ए कटा ए बी आया इधर भी ए बी से ही डिवाइड किया एक बी एक बी कट हुआ बी बाय सो एट वी आर गेटिंग ए बाय बी प्लस बी बाय ए बहुत बढ़िया तो इधर भी तो ए बी से ही डिवाइड करना पड़ेगा तो इन शॉर्ट मैंने किया क्या है डिवाइडिंग बाय ए बी ऑन बोथ द साइड्स तो क्या मिला इधर से ए बाय बी प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू ए बी ए बी कट फोर्टीन सो वॉट्स माई वैल्यू फोर्टीन विच इज द ऑप्शन बी क्लियर है चले आगे नेक्स्ट इफ स्क्ट ऑफ एक्स प्लस तो आपको रिवर्स टिक करना है सबसे बेस्ट तरीका देखिए अब इधर तो थोड़ा लॉजिकली यूज करना है यार कौन सा ऑप्शन पुट करना है स्क्वायर रूट निकाल रहे तो मतलब जो नंबर अंदर है उसका वो परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए समझो आपने टेन डाला टेन प्लस फाइव फिफ्टीन स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन ओरली तो नहीं आ रहा नेक्स्ट ट्वेंटी डाल के देखते ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव स्क्वायर रूट ऑफ ट्वेंटी फाइव ये सप्रा करके देख रहे हैं ट्वेंटी माइनस स्क्वायर स्क्टर ऑफ़ फोर ओ यस तो सबसे पहले मैं रिवर्स टिक में तुक्का बी से मार रहा है यार बिकॉज वी आर गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर चल एल एच एस में चेक करते हैं तो ये कर ले ऐसा रूट ऑफ एक्स प्लस फाइव मतलब ट्वेंटी प्लस फाइव स्क्वायर ऑफ़ ट्वेंटी फाइव प्लस ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन फोर ट्वेंटी प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव माइनस फोर ये चाहिए क्लियर ये ईजी है दिख रहा है स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वायर ऑफ़ फोर टू स्क्वायर ऑफ ट्वेंटी फाइव फाइव स्क्वाइड ऑफ फोर टू तो क्या आ रहा आंसर सेवन बाई थ्री यही तो मेरा आ रही जैसे यार तो सीधा आंसर आ गया भाई क्लियर है क्या आप इसको कैल्शियम में भी कर सकते हैं यार जैसे अगर डायरेक्ट कैल्शियम में करना है तो ट्वेंटी डाल के देखते हैं डिनोमेटर पहले अच्छी है तो फाइन कर लेते हैं एक्स प्लस फाइव ट्वेंटी फाइव रहे तो ट्वेंटी फाइव का रूट किया मैंने फाइव आया अब इसको मेरे को माइनस करना है क्या माइनस करना है ट्वेंटी माइनस सिक्सटीन मतलब फोर का रूट सो फोर का रूट टू आया तो फाइव माइनस टू कितना थ्री तो डिनोटर में आपने लिख दिया थ्री सेम कैन डू दरिटर बाई थ्रीसर मेक रेट पक्का क्या बोल रहा है इफ एक्स इज इक्वल टू थ्री एस टू वन बाय फोर प्लस थ्री एस टू माइनस वन बाय फोर एंड वाई इजल टू थ्री एस टू वन बाई फोर माइनस थ्री एस टू माइनस वन बाय फोर दैन द वैल्यू ऑफ अपन नेलरेडी ए क्यूबी में एक डिटेल मेथड में किया हुआ है विच यू ऑलरेडी नो राइट तो इधर कैलकुलेटर वाला तरीका यूज करते हैं सो दैट आपके पास दो मेथड्स है जो भी आप कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं देखो इधर पॉइंट क्या है एक तो थ्री रेस टू सॉरी थ्री रेस टू वन बाय फोर दिए तो एनीथिंग रेस टू वन बाय फोर मीन्स आप दो बार रूट दबाएंगे लाइक स्क्वायर रूट निकालने के लिए एक बार रूट दबाते हैं तो वन बाय फोर्थ मीन्स फोर्थ रूट लगाने के लिए या निकालने के लिए स्क्वायर रूट का बटन आप दो बार दबाएंगे ऐसा ओके एंड ये कौन है यार थ्री रेस टू माइनस वन बाय फोर मीन्स वन अपॉन थ्री रेस टू वन बाई फोर नेगेटिव पावर मींस वन अपॉन तो अपन इधर करके आ सकते हैं ये वैल्यू निकाला फिर वन अपॉन कैसे निकालने का कैल्ची में डिवाइड इक्वल टू करके सो वो अपन इधर बेनिफिट यूज कर सकते हैं चल ध्यान से सबसे पहले ना एक्सक्वायर निकालते हैं कैल्ची में देख ध्यान देना रहा हूँ एक्स एक्स निकाले पहले फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स के लिए कौन चाहिए थ्री रेस टू वन बाय फोर प्लस उसका वन अपॉन ओके तो पहले थ्री रेस टू वन बाय फोर निकालेंगे कैसे थ्री रूट दो बार दबाया तो ये जो वैल्यू है ये किसकी आई थ्री रेस्ट टू वन बाई फोर उसको मैंने एम प्लस करके मेमोरी में स्टोर किया अब वन अपॉन करना है ये वैल्यू का तो डिवाइड इक्वल टू तो ये जो वैल्यू आया है वो इस टर्म का आया है उसको भी एड करना है मैंने एम प्लस दबाया तो थ्री रेस्ट टू वन बाई फोर एंड वन अपॉन थ्री रेस्ट टू वन बाई फोर दोनों कैलसी में एड हो चुके हैं मैंने मेमोरी रिकॉल किया तो so, ये जो वैल्यू आया है टू पॉइंट जीरो सेवन ये एक्स का वैल्यू है 2.0759 जो भी है अब ये x की वैल्यू है मेरे को चाहिए एक्स स्क्वायर तो इन टू इज इक्वल टू किया दिस कम्स आउट टू बी 4.3094 ये आप नोट कर लो और अब कैलसी क्लियर कर दो अब आप किसकी वैल्यू निकालेंगे y की वो कौन है थ्री रेस टू वन बाय फोर माइनस थ्री रेस टू माइनस वन बाय फोर तो सिर्फ ये दो सेम चीज लेकिन इंस्टेड ऑफ प्लस अपन को करना है माइनस तो वो करते हैं अब किसकी बात कर रहे हैं वाई की चलिए थ्री क्लियर किया कैलसी थ्री रूट दो बार दबाया दिस इज टू वन बाई फोर एम प्लस नाउ डिवाइड इक्वल टू ये किसकी वैल्यू है इसकी बट वो हो रहा है सब्ट्रैक्ट आपने दबाया एम माइनस अब मैं मेरी रिकॉल किया तो जीरो पॉइंट फाइव फाइव सिक्स ये आ गई इसकी वाई की वैल्यू अब आपने क्या किया इन टू इज इक्वल टू बिकॉज वी नीड द वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर विच कम्स आउट टू बी जीरो पॉइंट थ्री जीरो नाइन फोर जो भी है. अपने पास कैलसी में आप देखो वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर अपने पास कैलसी में है उसको अपन को एक्सक्वायर के साथ ऐड करना है ध्यान से देखना तो ये जो वैल्यू कैलसी में है उसमें मैंने एक्सक्वायर ऐड किया देखो प्लस 4.3094 तो ये जो वैल्यू आई है 4.6188 ये इस कंबाइंड की वैल्यू आई है 4.6188 अब इसको अपन को थ्री से भी मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर भी करना है तो ये वैल्यू का पहले स्क्वायर कर दें इन टू इज इक्वल टू सो दिस कम्स आउट टू बी ट्वेंटी उसको बस आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है इन टू 63.99 मींस नाइन द आंसर इज 64 क्लियर तो आप ये नोट करना एक बार यूज करो आपको क्लियर हो जाएगा और इसका नॉर्मल मेथड इसका नॉर्मल वे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन ए क्यू बी क्लियर नेक्स्ट इफ द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज वन टू टू देन द वैल्यू ऑफ टी इज एग्जैक्ट सेम सम समय टीपी टू जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू में किए अब आप बोलेंगे सर आप सब जगह रेफरेंस क्यों देते रहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे को बहुत टाइम लगता है वो रेफरेंस देने वो रेफरेंस दिया क्यों है सो दैट यू नो कि इंस्टीट्यूट आपको हिंट दे रही है कि क्वेश्चन आपको एम टीपी पी वाई क्यू एक्सरसाइज ए क्यू बी में से ही मिलेंगे मेजोरिटी उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है सो हेंस आई एम मैंशनिंग दिज रेफरेंसेस सो दैट यू गेट अ मोटिवेशन भाई कर लिया तो सही होगा चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला ये जो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है

टू एल्फा तो वो पुट कर देते हैं बीटा तू कौन है भाई तू है टू एल्फा माइनस माइनस प्लस सिक्स बाय फोर मीन थ्री बाय टू इज दिस क्लियर काटा किया, से. इधर से क्या आया अल्फा प्लस एल्फा थ्री एल्फा नाउ थ्री उधर जाके डिवाइड हो जाएगा या कट जाएगा तो एल्फा कितना आया हाफ वन ऑफ द रूट्स वी गॉट ये इधर डालना रे बाबा तो बीटा कितना टू एल्फा टू इंटू वन बाई टू इज वन सो बीटा भी आ गया मेरे को एल्फा भी आ गया मेरे को ना ये पी कौन है सी है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट एल्फा इंटू बीटा इज सी बाय ए सी है अपना पी और ए है अपना फोर सॉल्व करें एल्फा हाफ बीटा वन एल्फा हाफ बीटा वन फोर इधर आ जाएगा सो हाफ इंटू वन इज हाफ फोर इधर आया टू वन जा टू टू जी टू कितना पी है टू परफेक्ट सही चल रहा है नेक्स्ट इफ अगेन सेम डिटो क्वेश्चन अपन ने फाउंडेशन एग्जाम के डिसंबर 2022 के पी में किया है एज वेल एज एम टी जून 23 में क्वेश्चन नंबर नाइन था दो इनक्वालिटीज दी है और बोला x टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग तो दोनों को साथ में सॉल्व करेंगे अपन पहला वाला क्या है टू एक्स प्लस फाइव इज ग्रेटर देन थ्री एक्स प्लस टू एंड टू अलॉन्ग विद दैट सेम टू एक्स माइनस थ्री इज लेसन इक्वल फोर एक्स माइनस फाइव आई ऑलवेज ट्राई टू मेक एक्स वाला टर्म पॉजिटिव चल थ्री एक्स है तो टू एक्स उधर फेंकूंगा और टू इधर लाऊंगा तो फाइव माइनस टू ये थ्री एक्स टू एक्स उधर गया तो सब हुआ तो इधर से क्या मिला थ्री ग्रेटर देन एक्स पॉइंट इज टूवर्ड एक्स राइट तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स इज लेस देन थ्री ये एक चीज मिली एंड लेट्स ऑल दिस अगेन फोर एक्स बढ़ा है तो टू एक्स को उधर फेंकता फाइव को इधर लाता तो ये माइनस थ्री है माइनस फाइव इधर आके प्लस फाइव फोर एक्स टू एक्स उधर गया माइनस टू एक्स इधर से क्या आया टू इधर से आया टू एक्स टू डिवाइड हो गया तो टू अपॉन टू इज वन ना पॉइंट इज टूअ वन तो वैसा लिख देते हैं तो, तो आपको इधर से क्या समझा एक इन ने बोला एक्स शुड बी लेस देन थ्री एंड दूसरे ने बोला एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन मतलब एक सेक्स एक ऐसा वैल्यू है विच इज ग्रेटर और इक्वल टू वन एंड लेस देन थ्री मतलब वन या वन से बड़ा वन हो सकता है वन या वन से बड़ा लेकिन थ्री से छोटा तो वन या वन से बड़ा एंड थ्री से छोटा ऐसी कौन सी इंटीजर वैल्यूज है अपने पास एक्स वन हो सकता है टू हो सकता है वन या वन से बड़ा बट लेस देन थ्री सो वन एंड टू आर द पॉसिबल वैल्यूज देन एक्स टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू कौन सा वैल्यू लेगा भाई वो टू लेगा फोर माइनस फोर और माइनस टू तो, तो पॉसिबल ही नहीं है Solve फॉर एक्स ऑफ द इनक्वालिटीज़ तो यार ये कैसा है ना ये इनक्वालिटी के दो साइड है आप इसको साइमल्टेनियसली साथ में एक साथ solve कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो तो अपन साथ में कर देते हैं यार तो सबसे पहले मेरे को एक्स की वैल्यू चाहिए तो इधर लॉजिक क्या होगा ना ये बीच वाले टर्म में ना सिर्फ एक्स छोड़ना है मतलब ये डिनोमीटर का फाइव भगाना है ये माइनस टू भगाना है फिर वो थ्री भी भगाना है तो सबसे पहले ये डिनोमीटर का फाइव कैसे भागेगा मल्टीप्लाइंग बाय फाइव थ्रू आउट तो चल फाइव टू जेन ए क्या किया फाइव से मल्टीप्लाई किया सब जगह तो ये फाइव टू जैट टेन हो जाएगा इसको फाइव से मल्टीप्लाई किया तो फाइव फाइव कट हो जाएगा तो बीच में सिर्फ बचा थ्री एक्स माइनस टू ये भी फाइव फोर जैट ट्वेंटी हो जाएगा अब बीच का माइनस टू भगाना है कैसे भागेगा एडिंग टू थ्रू आउट टेन प्लस टू ट्वेल्व थ्री एक्स माइनस टू प्लस टू तो माइनस टू प्लस टू कट तो थ्री एक्स बचा ट्वेंटी प्लस टू ट्वेंटी टू अब ये थ्री भगाना है तो डिवाइडिंग बाई थ्री ऑन बोथ द साइड तो ट्वेल्व बाई थ्री थ्री एक्स बाय थ्री एक्स और ये ट्वेंटी टू बाई थ्री तो फाइनली क्या आया ट्वेल्व बाई थ्री फोर ट्वेंटी टू बाई थ्री सेवन पॉइंट थ्री थ्री आएगा तो x कौन सी वैल्यूज ले सकता है फोर या फोर से बड़ी एंड सेवन पॉइंट थ्री थ्री या उससे छोटी सो इफ वी टॉक अबाउट इंटीजर वैल्यूज x फोर या फोर से बड़ा है मतलब फोर चलेगा फाइव चलेगा सिक्स चलेगा सेवन भी चलेगा समझता है सेवन पॉइंट थ्री थ्री से छोटा सेवन होगा तो एक्स की कौन सी कौन सी वैल्यू चलेगी फोर फाइव सिक्स सेवन आंसर क्लियर या तो आप ये इन इक्वालिटी को तोड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं आपने ये ऐसा किया यह एक इनिकवालिटी ली एंड यह दूसरी इनिकवालिटी ली तो आप इसको भी सॉल्व करिए इसको भी सॉल्व करिए दोनों को सॉल्व करके जैसे अपन ने ये किया ना ये दो सॉल्व करके एक कंबाइन आंसर लिया सेम आप इसको सॉल्व करो इसको सॉल्व करो कंबाइन आंसर सेम आई नो यू कैन डू दिस तो ये जस्ट एक्स्ट्रा बता दिया यार आप वो भी कर सकते हो बट या एनी वेज अ गुड क्वेश्चन गुड क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट्री होगा तो तभी थोड़ा मजा आता है यार अगर क्वेश्चंस थोड़े से यूनिक नहीं रहे तो बट इस पर थोड़ा डिस्कस करते हैं मैंने करतेफरेंसेज भी दिया लेट्स फर्स्ट रीड द क्वेश्चन द अमाउंट चार्ज फॉर अ डिफाइंड लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन योर बेसिस इज नोन एज अब क्वेश्चन ने बोला भाई अमाउंट तो अमाउंट अगर आप पढ़ेंगे तो फर्स्ट थॉट यही है, आएगा अपन को इंटरेस्ट आएगा आंसर तो इंटरेस्ट टिक कर दिया मैंने रेफरेंसेस दिया एक गूगल के रेफरेंस दिया है पढ़ना द इंटरेस्ट रेट इज द अमाउंट अ लेंडर चार्जेस अ बोरर एंड इज द परसेंटेज़ ऑफ द प्रिंसिपल द प्रिंसिपल मतलब जो अमाउंट लोन किया तो पॉइंट क्या है जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है इट इज परसेंटेज। क्लियर तो इधर जो वो बोल रहा है अमाउंट चार्ज किया है प्रिंसिपल यूज करने के लिए दैट इज एक्चुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट यार अब एक और रेफरेंस दे रहा हूं मैं ये एक बुक है पादुकाश करके है यार एक बुक तो ये उसका रेफरेंस है मेरे पास वो बुक था तो अगर आप देखेंगे तो ये देखो ये डिट्टो क्वेश्चन है मैंने पर्पजली स्क्रीनशॉट रखा है फॉर योर रेफरेंस यार क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी कुछ क्वेश्चंस अपन को समझ में नहीं आते यार इसका आंसर क्या है अपन को जो लग रहा है बट एक्चुअल जो है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन होता है क्वेश्चन पढ़ देखो द अमाउंट चार्ज फॉर अ डिफाइन लेंथ ऑफ टाइम फॉर यूजेज ऑफ प्रिंसि फॉर यूज ऑफ प्रिंसिपल जनरली ऑन अ यूर बेसिस इज नोन एज तो ये वो पादुका वाले बुक का है आई एस पी ए डी यू के है पादुकाज वाले बुक का है और ये देखेंगे तो इसका आंसर उन लोग ने बी दिया हुआ यार सो बी मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर एक और चीज अगर आप देखेंगे ना ये वाला क्वेश्चन अभी थोड़ी देर बाद आने है। वाला है सचिन वाला क्वेश्चन है देखो ये सचिन वाला क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये इधर है तो इंस्ट मे बी फ्रॉम दिस बुक दिस टू क्वेश्चंस वुड हैव बीन टेकन तो यार मुझे ये क्वेश्चन का आंसर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है लेट मी नो व्हाट यू थिंक प्लीज झगड़ा मत करना वट एवर यू थिंक यू कैन गिव योर इनपुट्स मैंने ये गूगल का रेफरेंस और ये दिया है ये वाले जो चैप्टर है ना ये बुक का ये तो मेरे पास बुक है ये उसका फोटो मैंने आपके रेफरेंस के लिए दिया है बट ये ना गूगल पर भी अगर आप देखेंगे ना ये लिंक में चाहिए तो भेज दूंगा ये ऑलरेडी गूगल पर किसी ने डाला हुआ है यार सो यू कैन चेक ऑन दिस ये पूरा बुक ये जो ये टॉपिक के क्वेश्चन है ये ऑलरेडी है यू कैन टेक द रेफरेंस सो फॉर दिस डांसिस शुड भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको क्या लग रहा है आप मुझे बताना यार नेक्स्ट टाइम क्या बोल रहा है क्वेश्चन द सम रिक्वायर्ड टू अन मंथली इंटरेस्ट ऑफ ट्वेल्व हंड्रेड एट एटीन परसेंट पर अनम सिंपल इंटरेस्ट इज ये भी एम टी पी में हुआ है उधर सिर्फ रेट मांगा था शायद इधर सम मांगा सम रिक्वायर्ड टू अन मंथली इनकम मतलब प्रिंसिपल बोल रहा है वो कितना प्रिंसिपल आप इन्वेस्ट करेंगे so सो दैट मंथली आपको बारह सौ का सिंपल इंटरेस्ट मिले एट एटीन परसेंट तो आपने फॉर्मुला यूज किया क्या सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर एन या जो भी आप बोलते हो अपॉन ऑन हंड्रेड वॉट इज द सिंपल इंटरेस्ट ट्वेल्व हंड्रेड वी डोंट नो द प्रिंसिपल रेट दिया है एटीन परसेंट एन कितना मंथली बोला मतलब वन मंथ मींस वन अपॉन ट्वेल्व इयर यू जस्ट हैव टू सॉल्व दिस चलिए तो पी चाहिए तो ट्वेल्व हंड्रेड हंड्रेड ऊपर ट्वेल्व भी ऊपर एटीन आके डिवाइड हुआ तो इधर से आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी Let's put that in 1200 into 100 into 12 divided by 18 comes out to be 80,000. So, what is the principle? 80,000. Easy. You reverse six do it But I guess this is easy. Sachin deposited rupees 1 lakh in his bank for 2 years at simple interest of 6%. How much interest would he earn? How much final value of deposit?

उसमें सिंपल इंटरेस्ट ट्वेल्व ऐड कर देंगे तो वन लाख ट्वेल्व थाउजेंड हो जाएगा ने डिटो क्वेश्चन ट्वेंटी ट्वेंटी में किया हुआ राइट क्वेश्चन right? ने क्या बोला प्रिंसिपल इज टू कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशो दिया आपको पी अपॉन कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू टू वन सिक्स अपॉन वन ट्वेंटी सेवन अपन को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है प्रिंसिपल अब उसने बोला तीन साल के लिए तो N के के जगह जगह आप पुट पुट कर देंगे सो लेट्स डू दैट किया दिस क्लियर और P कट अब ये टर्म उधर लेके जाते हैं और इधर तो ऊपर कैन वी जस्ट सिम्प्लीफाई दिस ये माइनस वन उधर लेके जाके प्लस वन भी कर दे तो क्या हुआ वन ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाई टू वन सिक्स कम्स आउट टू बी ज़ीरो पॉइंट फाइव एट सेवन नाइन सिक्स समथिंग ये माइनस वन उधर जाके प्लस वन कर दे तो प्लस वन तो वन पॉइंट फाइव हो जाएगा तो वो एक चीज कर देते हैं और इधर कौन बचा है वन प्लस आई का क्यूब समझे क्या किया रेट ये डिवाइड किया एंड माइनस वन इधर आके प्लस प्लस वन किया यू कैन सॉल्व दिस टेकिंग क्यूब रूट फिर वन इधर लेके आंसर आ सकता है सबसे बेस्ट रिवर्स टिक कर ले तो रिवर्स टिक कर रहे भाई इसके आगे ए ऑप्शन चेक करते हैं किधर इसमें डालेंगे वन प्लस आए जीरो पॉइंट वन ट्रिपल सेवन द होल क्यूब दैट शुड कम आउट टू बी दिस चल वन पॉइंट एड कर दे वन प्लस जीरो पॉइंट विल बी वन पॉइंट वन सेवन 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 क्यूब मीन्स इन टू इजीगल टू इजीकल टू ये आ रहा है वन पॉइंट सिक्स थ्री थ्री विच इज नॉट इक्वल टू दिस तो ए आंसर नहीं है 1.567 चेक करें मैं डायरेक्ट डाल रहा अभी वन प्लस वन जीरो पॉइंट वन फाइव सिक्स सेवन इज वन पॉइंट वन फाइव सिक्स सेवन दो तीन कम्स आउट टू बी वन पॉइंट फाइव फोर सेवन अगेन नॉट इक्वल सी जीरो पॉइंट वन सिक्स 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 करें ये इधर डाल रहे हैं वन प्लस जीरो पॉइंट वन सिक्स सिक्स तो वन पॉइंट वन सिक्स 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 आ रहा है यही exactly ये है दिखता है पक्का सो अपना ऑप्शन क्या है सी क्लियर राइट पक्का नेक्स्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज एट थाउजेंड फॉर सिक्स मंथ्स एट ट्वेल्व परसेंट पेबल क्वार्टरली तो ये क्वार्टरली कंपाउंड हो रहा है तो ट्वेल्व को आप किससे डिवाइड करेंगे क्वार्टरली बोला मतलब फोर हंड्रेड क्वार्टरली हो रहा है सिक्स मंथ्स के लिए तो सिक्स मंथ्स में कितने क्वार्टर हुए दो क्वार्टर थ्री मंथ्स थ्री मंथ्स तो एन अपना टू होगा पक्का क्वेश्चन ने क्या बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने अपन एक्मलेटेड वैल्यू वाला फॉर्मुला यूज करें उसमें से प्रिंसिपल अप्रैक कर देंगे पी इन टू वन प्लस आई रेस्टू है तो प्रिंसिपल एट थाउजेंड वन प्लस आई इज हाउ मच ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड क्योंकि क्वार्टरली है और एन टू है सॉल्व करें इसको ट्वेल्व डिवाइडेड बाई फोर हंड्रेड प्लस वन इन्टु 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 इन टू इजिक्वल टू स्क्वायर आया इन टू एट थाउजेंड दिस कम्स आउट टू बी एट फोर एट सेवन पॉइंट टू इसमें से प्रिंसिपल अगर माइनस कर दिया तो मेरे को इंटरेस्ट मिल जाएगा फोर एटी सेवन पॉइंट टू क्लियर या तो आप इसको डायरेक्ट कैलसी में करना चाहते हो तो कैसे किया आपने एट थाउजेंड प्लस ट्वेल्व अपॉइन्ट फोर ये 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 बेसिकली ट्वेल्व अपॉन्ट फोर हंड्रेड मीन्स एक्चुअली कलर कैसे चेंज हुआ थ्री परसेंट हुआ फोर वन जा फोर थ्री जो तो थ्री अपॉन थ्री परसेंट तो एट थाउजेंड में थ्री परसेंट दो बार ऐड करेंगे क्यों दो बार क्योंकि दो पीरियड्स है ना तो वो कर लो एट थाउजेंड प्लस थ्री परसेंट प्लस थ्री परसेंट एट फोर एट सेवन पॉइंट टू आ रहा है उसमें से सीधा एट थाउजेंड माइनस कर दो नेक्स्ट द ये अपना मॉडल का क्वेश्चन है एनुअल बर्थ एंड रेट्स आर पर थाउजेंड एनुअल बर्थ रेट दिया द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच दॉपुलेशन विल बी डबल्ड एज्यूमिंग दैट नो इमीग्रेशन और इमिग्रेशन आया गया कोई नहीं है तो so क्वेश्चन ने बोला कितने साल में पॉपुलेशन डबल होगा पॉपुलेशन जो है वो कम्पाउंड इंटरेस्ट के कंपाउंड uh, इंटरेस्ट या वैसा फॉलो करता है तो क्या बोला अपन ने एनुअल बर्थ रेट दिया है थर्टी नाइन पॉइंट फोर अपॉन थाउजेंड डेथ रेट दिया है नाइनटीन पॉइंट फोर अपॉन थाउजेंड इतने लोग का बर्थ हो रहा है ये रेट से और इतना डेथ हो रहा है तो नेट ग्रोथ कितना होगा बर्थ माइनस डेथ तो 39.4 नाइन माइनस इट विल बी 20 अपॉन थाउजेंड अब ये दिया है रेट पर थाउजेंड अपन को पर हंड्रेड लगता है तो एक जीरो काट दे तो ये हो गया टू अपॉन हंड्रेड इन शॉर्ट टू परसेंट अब क्वेश्चन ने क्या बोला कितने ईयर्स में पॉपुलेशन डबल हो जाएगा और वी आर यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट राइट तो एक्यूमलेटेड वैल्यू मतलब कितना टाइम में पॉपुलेशन डबल सो एक्मलेटेड अमाउंट वो वो टोटल पॉपुलेशन विल बी टू टाइम्स द इनिशियल पॉपुलेशन लेट्स यूज द फॉर्मुला ए इज इकोल टू पी इन टू वन प्लस आई रेस टू एन ध्यान से कितना पॉपुलेशन हुआ टू टाइम्स द इनिशियल वॉट इज द रेट टू अपॉन हंड्रेड द होल रेस्ट टू एन पी और पी कट तो इधर से क्या समझा ये जीरो पॉइंट टू है तो वन पॉइंट जीरो टू रेस्ट टू एन तो इन शॉर्ट इधर आपको फाइंड क्या करना है एन कितना पुट करेंगे तो दैट आंसर टू आना चाहिए इसके बाद में रिवर्स ट्रिक कर ले कलर कैसे चेंज हो रहा है आज भाई क्लियर एन के जगह ए ऑप्शन पुट करते थर्टी फाइव सो वन पॉइंट जीरो टू रेस टू थर्टी फाइव लेट्स मतलब मेरे को आंसर आ रहा है 1.9998 पॉइंट नाइन 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 एट विच इज अप्रोक्सीमेटली टू सो गारंटी ए आंसर है इसका मतलब कितने साल में पॉपुलेशन डबल होने वाला है इन 35 फाइव इन इफ द नेट ग्रोथ रेट इज टू परसेंट क्लियर द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ मनी एट सिक्स परसेंट पर एनम फॉर सेवन ईयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन अनदर सम फॉर नाइन ईयर एट फाइव परसेंट पर एनम रेशो विल बी तो किसका रेशो मांगा है वो दिया नहीं है इधर तो इधर ऐसा होना चाहिए द रेशो ऑफ देयर प्रिंसिपल वुड बी यह एक्चुअली जून ट्वेंटी ट्वेंटी क्वेश्चन है चलिए रिलेशन क्या दिया सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट केस सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट केस इज इक्वल टू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सेकेंड केस तो टू टाइम द सिंपल इंटरेस्ट इन द सेकेंड केस चल वॉट इज सिंपल इंटरेस्ट पहले वाले का प्रिंसिपल क्योंकि बोला नहीं है ना प्रिंसिपल सेम है और क्वेश्चन में रेशो प्रिंसिपल का मांगा है प्रिंसिपल इन टू रेट कितना सिक्स अपॉन हंड्रेड एंड टाइम पीरियड लाइक सेवन ईयर्स टू टाइम्स इन टू सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड केस प्रिंसिपल लिया पी टू रेट कितना है फाइव परसेंट एंड हाउ मच टाइम नाइन तो आपको किसका वैल्यू चाहिए पी वन अपॉन पी टू अरे समझिए नहीं एक तो आप हंड्रेड कट कर दो यार अब P1 इधर रखा है P2 नीचे आया इधर कौन कौन है टू इंटू फाइव इंटू नाइन द होल अपॉन इधर से कौन कौन गया सिक्स इंटू सेवन देखो इधर कैंसिलेशन होता है यार क्या बचा? हैल रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नाइन पॉइंट नाइन परसेंट इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड मंथली वॉट विल बी द इफेक्टिव रेट आ रही है तो अपने फेवरेट क्वेश्चन एकदम ई इजिक्वल टू वन प्लस आई रेस टू एन माइनस वन आई कितना नाइन पॉइंट नाइन बट मंथली तो डिवाइड ट्वेल्व हंड्रेड से करेंगे एक साल में कितने मंथ पावर ट्वेल्व माइनस वन एट्स टू दिस नाइन पॉइंट नाइन डिवाइडेड बाई ट हंड्रेड प्लस वन इन टू इजिकल टू ग्यारह बारह बेंगे तो ये 1.1036 आ रहा है, माइनस वन किया तो आंसर आ रहा है 0.1036 इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे टू गेट द रेट इन टू 10.36 अपन ने ये डिटोसम काफी बार किया है the popular, अब ये भी मॉडल का क्वेश्चन यार है है। और एक्चुअली देखेंगे तो ये ना जून 2023 लेटेस्ट वाले पास्ट ईयर पेपर में आया था द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय टू परसेंट तो रेट दिया है ऑफ द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर द नंबर ऑफ इयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज इन पॉपुलेशन वुड बी फोर्टी परसेंट तो आपको रेट दिया है उसने टू परसेंट और क्या बोला कितने टाइम में पॉपुलेशन इंक्रीज बाई फोर्टी परसेंट मतलब इनिशियल अगर पॉपुलेशन अपन पी लेते हैं तो फोर्टी परसेंट इंक्रीज होने के बाद कितना होगा जो फाइनल पॉपुलेशन है इनिशियल प्लस फोर्टी परसेंट ऑफ द इनिशियल अगर ऐसी फाइंड करेंगे राइट अगर आपका आज वेट फिफ्टी है मैंने बोला टेन परसेंट बढ़ गया तो वेट कितना हो गया फिफ्टी प्लस टेन परसेंट ऑफ फिफ्टी राइट सेम वे इनिशियल पॉपुलेशन पी प्लस द इंक्रीज का परसेंटेजना पी प्लस जीरो पॉइंट फोर पी विच इज वन पॉइंट फोर पी इज दिस क्लियर बस पॉपुलेशन है तो कम पॉइंट वाला फॉर्मूला ए इज इक्वल टू पी एन टू वन प्लस आई रेस्ट टू एन वॉट इज द फाइनल वैल्यू वन पॉइंट फोर पी इनिशियल पॉपुलेशन इज पी आई कितना टू परसेंट रेस्ट टू एन अभी थोड़ी देर पहले किया था वैसे यार तो क्या मिल रहा है 1.4 पॉइंट फोर इज टू ये वन पॉइंट जीरो टू रेस टू एन लेट्स यूज रिवर्स ट्रिक पहले सेवन डाल के देखें वन पॉइंट जीरो टू रेस टू सेवन करके देखते हैं चल वन पॉइंट जीरो टू इन टू तो वन पॉइंट इंटू मेरे को आ रहा है वन पॉइंट वन फोर नॉट द आंसर बी 1.02 पॉइंट जीरो टू रेज टू टेन सेवन हो गया था एट नाइन टेन वन पॉइंट टू वन एट आ रहा है ये भी नहीं हो सकता सेवनटीन टेन है ये एग्जैक्ट वन पॉइंट फोर जीरो जीरो कुछ तो आ रहा है तो गारंटी ये आंसर है क्लियर है राइट ये समझा राइट right? सेवन अपने पास वैल्यू था तो और टेन निकालने के लिए तीन बार किया फिर सेवेंटीन निकालने के लिए और किया वैसा पक्का नेक्स्ट फ्रॉम द मॉड्यूल अ स्टॉक देज एनुअली एन अमाउंट ऑफ रुपीज टेन फ्रॉम सिक्स ऑन वो वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द दुएटी इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज ट्वेंटी परसेंट ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है एक्चुअली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कभी तो आया हुआ है ये अ स्टॉक ध्यान से क्वेश्चन है ना अ स्टॉक पेज एनुअली हर साल एक स्टॉक अमाउंट पे कर रहा है कितना रुपीज टेन बट कब से सिक्स ईयर ऑन आगे वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुएटी इफ द रेट ऑफ रिटर्न ट्वेंटी परसेंट देख क्वेश्चन ने क्या बोला सिक्स ईयर से सिक्स ईयर से आपको टेन रुपीज मिल रहा है परपेचुटी मतलब फॉर एवर तो ये फर्स्ट फर्स्ट ईयर ये ऐसा डायग्राम बना देते हैं यार तो चीजें थोड़ी क्लियर हुई ये फर्स्ट ईयर का एंड फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर का एंड थर्ड ईयर का एंड फोर्थ ईयर का एंड फिफ्थ ईयर का एंड सिक्स ईयर का एंड एंड सो ऑन ऐसा जाएगा क्वेश्चन ने क्या बोला सिक्स ईयर ऑनवर्ड्स मतलब सिक्स ईयर के एंड में यह देखना फर्स्ट साल का एंड है सेकेंड साल का एंड थर्ड साल का एंड फोर्थ साल का एंड फिफ्थ ईयर का एंड सिक्स ईयर का एंड सिक्स ईयर एंड ऑनवर्ड्स आपको परपेचुएटी मिल रही है कितने की दस रुपए की अब आपको क्वेश्चन ने क्या मांगा वॉट इज द प्रेजेंट वैल्यू मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है आज अब आपने सबसे पहले क्या किया आप पहले इधर खड़े हुए यह कौन सा है फिफ्थ ईयर का एंड है ये। समझे फर्स्ट ईयर का एंड सेकेंड ईयर एंड है यार सब ये समझे? ये सब समझ है तो आप फिफ्थ ईयर के एंड में खड़े हैं। या तो सिक्स ईयर के स्टार्टिंग में आपको क्या पता है ये जो परपेचुटीज है उन सब की आप प्रेजेंट वैल्यू आज निकाल सकते हैं ये ए पे तो ये ए वाली वैल्यू कौन सी हुई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी क्योंकि अभी जो ईयर ईयर का एंड एंड है है, या 6th के के स्टार्ट उधर से हर आने वाले साल के में आपको 10 मिलने वाले है। तो वो सबका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। कभी वैल्यू विच इज टेन अपॉन द रेट विच इजी परसेंट राइट तो इधर uh, तो से क्या मिला हंड्रेड ऊपर गया मतलब थाउजेंड अपॉन ट्वेंटी रुपीज फिफ्टी रुपीज इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द परपेचुएटी एट द स्टार्ट ऑफ सिक्स ईयर समझ में आ रहा है या तो फिफ्थ ईयर के एंड में क्लियर है अब ये पे आपको पता चल गई कि इधर जो वैल्यू है ये जो वैल्यू है ये है पचास रुपए अब आपको उसकी वैल्यू चाहिए आज आपको क्या पता है फिफ्थ ईयर के एंड में यू नो द वैल्यू उसकी वैल्यू चाहिए आज तो आपको क्या करना पड़ेगा पाँच साल के बाद की वैल्यू आपको पता है उसकी आज की कीमत चाहिए सो दिस इज द फ्यूचर वैल्यू यू नीड द प्रेजेंट वैल्यू फाइव ईयर्स पैक सो आपने क्या यूज किया ए इज इकल टू पी इंटू वन प्लस आई रेस टू एन वट इज द वैल्यू आफ्टर फाइव ईयर्स ये फाइव ईयर का एंड है ध्यान से फाइव ईयर्स के एंड पे वैल्यू कितना है फिफ्टी आपको उसकी आज की कीमत चाहिए वॉट इज द रेट ट्वेंटी परसेंट वो तो सेम है टाइम पीरियड फाइव फाइव कैसे समझा राइट सिक्स ईयर के स्टार्ट में मतलब फाइव ईयर के एंड में उसकी वैल्यू आ जाए तो ये सॉल्व करते हैं ट्वेंटी डिवाइड बाई हंड्रेड मींसो पॉइंट टू उसको वन ऐड किया वन पॉइंट जीरो टू सॉरी वन पॉइंट टू इन टू फाइव टाइम्स तो तीन चार पांच ये वैल्यू आ गई उसको फिफ्टी से डिवाइड कर देंगे ये वैल्यू मेरे को प्रिंसिपल की आ रही है ट्वेंटी पॉइंट जीरो नाइन तो दैट इज ट्वेंटी पॉइंट वन ऑप्शन ये आपको समझा क्या पक्का कैसे सॉल्व किया सिक्स्थ ईयर ऑनवर्ड्स मतलब सिक्स्थ ईयर के एंड ये सब एंड ईयर आप सिक्स्थ ईयर के स्टार्ट में खड़े आपको पता है एक साल बाद एक साल मतलब दो साल बाद ये हर एक साल के एंड में आपको दस दस रुपया मिलने वाला है उसकी प्रेजेंट वैल्यू मतलब फिफ्थ ईयर के एंड में या सिक्स्थ ईयर के स्टार्ट में यू कैन फाइंड द वैल्यू तो ये पचास इधर वैल्यू है उसकी वैल्यू चाहिए आज तो पचास कब है वैल्यू फिफ्थ ईयर के एंड में या तो सिक्स ईयर के स्टार्ट में ऐसा बोल सकते हैं फिफ्थ ईयर के एंड में वी नो वीनो दैल्यूज फिफ्टी रुपीज वो वैल्यू मेरे को आज चाहिए तो आज कितना हो गया ट्वेंटी वेरी गुड क्वेश्चन यार में कोई तो एक है थोड़ा पुराना है नेक्स्ट अ सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड इन कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इट सेल्फ इन फोर ईयर कितने बार किया अपन ने सेंचुरीज में इन हाउ मेनी इट विल बिकम थर्टी टू टाइम्स ऑफ इट सेल्फ एट द सेम रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट तो बोल क्या रहे हैं एक तो अपन दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं इसकी टोपी इसकी सर वाला मनी हुआ डबल कितने साल में फोर इयर्स में इन हाउ मेनी इयर्स इट विल बिकम थर्टी टू टाइम्स कितने साल में होगा ये तो इसको सॉल्व करें टू रेस टू एक्स थर्टी टू कैसे लिखा टू टू जी फोर टू जी एट टू जै सिक्सटीन टू जी थर्टी टू तो टू रेस टू फाइव द होल रेस टू फोर फाइव फोर ज ट्वेंटी तो पावर इक्वेट कर दे एक्स कितना हुआ ट्वेंटी आंसर या तो फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एक्यूमलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला दो बार यूज कर देंगे और क्या प्रिंसिपल हुआ डबल बरबर सम ऑफ मनी डबल्स तो टू पी कितने साल में चार साल में ये और ये कट तो इधर से मेरे को वन प्लस आई रेस टू फोर की वैल्यू मिल गई क्वेश्चन ने क्या बोला कितने साल में होगा थर्टी टू टाइम्स तो एक्यूमलेटेड विल बी थर्टी टू टाइम्स द प्रिंसिपल पी और पी कट तो आपको इधर क्या करना है वन प्लस आई की वैल्यू पुट करना इधर से ये फोर भगाना है टेकिंग फोर्थ रूट तो टू रेस्ट टू वन बाय फोर इज़ वन प्लस आई ये समझे ना अपन किए राइट फोर्थ रूट लेना है, right? है मतलब ये ये इधर फोर डिवाइड करना है इधर तो फोर्थ रूट लेना पड़ेगा वन बाय फोर तो वन प्लस आई इज़ टू रेस्ट टू वन 4 फोर वो इधर पुट कर देंगे जमरा क्या वॉट इज थर्टी टू टू रेस टू फाई वॉट इज वन प्लस आई टू रेस्ट टू वन बाय फोर तो ये है टू रेस्ट टू वन बाय फोर द होल रेस टू एन हो पावर मल्टीप्लाई टू वन बाय फोर इन टू एन इज एन बाय फोर अब पावर इक्वेट कर दो चलेगा तो फाइव इज इक्वल टू एन बाई फोर तो एन कितना तो ट्वेंटी कर लो यार पक्का नेक्स्ट सिंकिंग फंड फैक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ भाई कितने बार किया अपन ने डिसंबर ट्वेंटी टू का क्वेश्चन है मॉक टेस्ट पेपर वन में आता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंकिंग फंड फैक्टर इज द रेसिप्रोकल ऑफ एफ वी आई ए बोलते हैं उसको फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एन क्योंकि सिंकिंग फंड के लिए अपन यूज कौन सा फॉमूला करते हैं फ्यूचर वैल्यू एन्यूटी का क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट है प्रेजेंट वैल्यू इसका आंसर नहीं होता प्लीज नोट करिए द आंसर इज सी और सबसे बेस्ट यार आप ये चेक कर लो ना यार मॉक टेस्ट पेपर वन जून ट्वेंटी थ्री में इंस्टीट्यूट ने डाला था

लेट पी बी द जी डी पी अमाउंट एट द प्रेजेंट ईयर देन द प्रोजेक्टेड रियल जी डी पी आफ्टर सिक्स ईयर्स आज की वैल्यू पी है छः साल बाद वो कितनी होगी तो एक्यूमरेटेड uh, वैल्यू चाहिए बेसिकली अपन को इधर रेट निकालना है क्वेश्चन ने क्या बोला नॉमिनल रेट 17%, परसेंट इन्फ्लेशन है नाइन परसेंट तो अपन इधर रियल रेट निकाल सकते हैं कैसे यार? नॉमिनल रेट माइनस इन्फ्लेशन तो 17 माइनस नाइन करेंगे तो एट परसेंट इज द रियल रेट मिल गया जीडीपी का क्वेश्चन ने क्या बोला आज वैल्यू पी है 6 साल बाद कितनी तो ए इज इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आई रेस्ट टू एन पी आज है वैल्यू रेट कितना एट परसेंट वैल्यू कब चाहिए आपको 6 साल बाद चलो भाई सॉल्व कर देंगे इसको क्या बोला एट डिवाइडेड बाई हंड्रेड प्लस वन इंटू तो तीन चार पाँच छः दिस कम्स आउट टू बी वन पॉइंट फाइव एट सिक्स पी तो 1.5868 है, तो इसको अपन 1.58 लिख सकते हैं, राउंड अप करके सो व्हाट विल बी द वैल्यू आफ्टर टाइम्स द प्रेजेंट वैल्यू इफ डिस्काउंट रेट इज 14 परसेंट हाउ मच कंपनी टू पे टू रिसीव रुपीज टू एटी ग्रोइंग एट नाइन परसेंट फॉर एवर तो ये वो है प्रजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग पर पैचुएटी वॉट इज द फॉर्मूला आज का वैल्यू मतलब जितना एनविटी मिल रहा है अपॉन द डिस्काउंट रेट माइनस द ग्रोथ रेट तो ये क्या हुआ वॉट इज द पर एनटी टू एटी अपॉन डिस्काउंट रेट फोर्टीन परसेंट फोर्टीन अपॉन हंड्रेड मतलब यह ऐसा कर दो यार सबसे बेस्ट फोर्टीन परसेंट माइनस नाइन परसेंट फाइव परसेंट सो फाइव अपॉन हंड्रेड डाल दो या जैसे भी सो जीरो पॉइंट वन फोर माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन टू एटी अपीरोक्सट अबें चलिए भाई अब अपने ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं टी एम वी टाइम वैल्यू टीवीएम टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले अब करते हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन अब बैग कंटेंट्स फोर रेड थ्री ब्लैक

एंड जीरो एनी अदर्स राइट एक ब्लैक बॉल चाहिए टोटल कितने थ्री थ्री में से एक ब्लैक बॉल आपने कैसे निकाला थ्री सी वन एंड टू एनी अदर अदर कौन है चार रेड और दो व्हाइट तो छः में से कोई भी दो चलेंगे क्योंकि बाकी कलर पे तो कोई कंडीशन नहीं है जमरा दो ब्लैक चाहिए तीन में से दो ब्लैक थ्री सी टू एंड वन एनी अदर चार और दो छे में से कोई भी एक या तो फिर थ्री ब्लैक बॉल सो दिस आर ऑल ऑल राइट इट कैन बी दिस और दिस केस और दिस तीनों ब्लैक बॉल मतलब थ्री सी थ्री कैन यू सॉल्व दिस थ्री सी वन मतलब थ्री होता है सिक्सू मतलब सिक्स को दो बार कम किया और नीचे टू का फैक्टोरियल टू इंटू वन थ्री सी टू मीन थ्री सी वन राइट एनसीआर माइनस आर या तो आप ऐसा कर दो थ्री सी टू को थ्री इंटू टू अपॉन टू का फैक्टोरियल तो थ्री अपॉन वन विल बी थ्री सिक्स समझ कैसे अपना शॉर्टकट सिक्स को एक बार कम कर वन का फैक्टर थ्री सी थ्री इज थ्री सी जीरो मतलब तीन बार कम करके लिखना थ्री टू वन और नीचे थ्री मतलब थ्री का फैक्टोरियल वन आएगा या तो आपको समझता है दिस इज थ्री सी जीरो विच इज एक् वन सोल्व करते है चल। 2, और ये वन ये सबको ऐड करेंगे क्यों ऐड? बिकॉज केस वन और केस टू और केस थ्री फोर्टी फाइव प्लस एटीन प्लस मेरे को लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन ईजी इजी एक्चुअली नेक्स्ट द नंबर ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड भारत इन h बी एंड एच together नेवर together का क्वेश्चन डिसेंबर 2018 में किया अपन ने क्या बोल रहा है भारत में से बी और एच कभी साथ में नहीं चाहिए तो अपन ये कैसे करते हैं नेवर टुगेदर मतलब जिस पे कंडीशन नहीं है पहले उसको अरेंज करेंगे तो पहले किसको अरेंज करेंगे ए आर ए टी फोर लेटर्स कैन बी अरेंज इन फोर प्लेसेस इन फोर फैक्टोरियल वेज बट ये रिपीटिशन है दिखता है फ्यू आइटम्स आर लाइक ए दो बार रिपीट हुआ है तो टू फैक्टर से डिवाइड किया इतना क्लियर है तो अब अपन ने किया क्या चार प्लेस पे ए आर ए टी को अरेंज किया अब जिस जो साथ में नहीं चाहिए उनको इसके आजू बाजू अरेंज करेंगे देर आर फोर प्लेसेस इनके आजू बाजू प्लस वन मतलब पांच जगह होगी जिधर बी और एच को अरेंज करना ये वो पांच जगह दिखता है तो आपने क्या बोला पांच में से कोई भी दो जगह पर बी और एच को अरेंज कर दे तो फाइव

पक्का नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ एन इन वन बाय सेवन फैक्टोर प्लस इज इकोल टू एन बाय नाइन फैक्टोर सेम क्वेश्चन में चलिए ये वाले को पहले एट uh, है कैन वी राइट एट फैक्टोरियल इन टर्म्स ऑफ सेवन देखा फैक्टोर एज इट इज रखा मैंने को अपन ऐसा बोल सकते हैं अब इधर से क्या कॉमन है वन अपॉइंट सेवन फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हैं क्या बच गया इधर से बचा वन इधर से बचा वन बाय एट अब ध्यान से नाइन फैक्टोरियल जो है वो मैं इधर लाऊंगा ध्यान देना नाइन फैक्टोरियल को भी अपन ना सेवन फैक्टोरियल के भाषा में लिखते देख नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल आप डायरेक्ट सेवन फैक्टोरियल कट कर दो या तो ये सब लोग को इधर लेके आ सकते तो क्या हुआ ये जब इधर आया नाइन इंटू एट इंटू सेवन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई

थर्ड टर्म बोला मतलब अपन को टी थ्री दिया हुआ है टू बाई थ्री थर्ड टर्म फॉर ए जी पी क्या होता है ए आर स्क्वायर तो ए आर स्क्वायर है टू बाई थ्री सिक्स टर्म मतलब टी सिक्स ए आर रेस टू फाइव होता है ए आर रेस टू एन माइनस वन राइट ये दोनों को डिवाइड कर देंगे चलिए ए आर रेस टू फाइव अपॉन ए आर स्क्वायर इज टू बाई ए वन डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री समझा ये दोनों को डिवाइड कर रहा है ए ए कट स्क्वायर इधर से कटा आर क्यूब बचेगा ये ऐसा हो जाएगा टू बाय एटी वन थ्री बाई टू टू बाय थ्री ने मारा पलटी टू टू कट थ्री वन जी टू 6 ट्वेंटी वन थ्री सेवन जन बाई ट्वेंटी सेवन हुआ दिखता है क्या ये क्या है वन बाय ट्वेंटी सेवन वन बाय थ्री का क्यूब आर क्यूब इज वन बाय थ्री का क्यूब तो आर कितना हुआ वन बाय थ्री अपन को क्या मांगा है फर्स्ट टर्म इसमें पुट करें ए इन टू आर स्क्वायर मींस वन बाई थ्री का स्क्वायर इज टू बाई थ्री सो ए इंटू वन बाई नाइन इज टू बात थ्री नाइन टू परसन पेज रुपीज नाइन सेवेंटी फाइव इन मंथली इंस्टॉलमेंट इच इंस्टॉलमेंट इज लेस देन द फॉर्मर बाय रुपीज फाइव मतलब 975 टोटल अमाउंट पे करना है हर एक इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में हर एक इंस्टॉलमेंट प्रीवियस वाले से पांच कम है तो पहले जैसे आगे देखते हैं द अमाउंट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज 100 मतलब अगर स्टार्टिंग में 100 भरा तो नेक्स्ट 95, फिर 90, फिर 85, फिर एटी ऐसा जाएगा इन वॉट टाइम विल द एंटायर अमाउंट बी पेड आपने ये मॉड्यूल में किया है एक्सरसाइज सी ये वाला सोल्यूशन अपने यूट्यूब है तो उधर मैंने दो तरीके से सिखाया हुआ है नॉर्मल तरीके से भी आप कर सकते हो या तो रिवर्स ट्रिक से भी कर सकते हो लेट्स टू क्या बोल रहा है अपन को करना क्या इधर स्टार्टिंग यू आर पेइंग हंड्रेड रुपीज़ देन यू आर रेड्यूसिंग द इंस्टॉलमेंट बाय फाइव रुपीज़ तो हंड्रेड नाइन्टी फाइव नाइन्टी एटी फाइव ऐसा कम कम होगा और इन हाउ मेनी मंथ्स इन हाउ मच टाइम पीरियड या कितने टाइम में नाइन सेवेंटी फाइव भर देना चाहिए तो नाइन सेवेंटी फाइव अपना एस एन है समझता है क्या टोटल अमाउंट टू बी पेड कितने इंस्टॉलमेंट्स में मतलब एन फाइंड करना है कितने जैसा ये ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है समझते हैं हंड्रेड फिर अगर नाइन्टी फाइव होगा नेक्स्ट फिर नाइन्टी होगा कैसे समझाइए नाइन्टी फाइव ये एच इंस्टॉलमेंट लेस देन द फॉर्मर फॉर्मर मतलब पहला ऐसा करते जाना है और कितने टाइम बाद नाइन सेवेंटी फाइव चुपता हो जाएगा ये अपन को चाहिए अब ध्यान से इधर समझना <laughs> क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये ये ए पी ए दिखता है फर्स्ट टम अपना हंड्रेड है कॉमन डिफरेंस अपना माइनस फाइव है अपन को एस एन चाहिए क्लियर तो अपन कैलकुलेटर ट्रिक यूज़ करेंगे क्या बोला हंड्रेड प्लस इक्वल टू फिर जो कॉमन डिफरेंस है वो ऐड करते इधर माइनस नेगेटिव है तो बोला माइनस फाइव इक्वल टू ऐसा इक्वल टू दबाते जाना है कब दबाने का वो ऑप्शन में से उठाएंगे अपन आफ्टर एन इतना फिर जी टी दबाते अपन समझते हैं ना ये अपना जी टी वाला ट्रिक है यार चल ध्यान से एक बार करते देख डोंट वरी क्या बोला हंड्रेड प्लस इक्वल टू अब माइनस फाइव इक्वल टू ध्यान से देखो आपको कैलसी पे इधर नाइन्टी फाइव दिख रहे हैं जो अपना सेकेंड टर्म है लेकिन कैलसी के लिए वो सिक्स टर्म है मतलब सेकेंड मंथ का नाइन्टी फाइव इंस्टॉलमेंट है कैलसी के लिए सिक्स मंथ है वो चार ज़्यादा अपन ने किया तो ए बी सी डी ऑप्शन उठाएंगे ट्वेंटी सिक्स मंथ अपने लिए जो ट्वेंटी सिक्स है कैलसी के लिए चार ज़्यादा मतलब थर्टी है तो जैसे ही इधर थर्टी आएगा ऊपर आप जेटी दबा देना थर्टी आया आपने जी टी दबाया ओ भाई नाइन सेवेंटी फाइव आया तो ए ऑप्शन एन जब ट्वेंटी सिक्स मंथ्स है नाइन सेवेंटी फाइव एस एन आर आए तो आंसर है हो सकता है अब देखो आपने बोला सर रिवर्स टिक में ए टिक कर दिया खत्म हो गया ना आंसर बट इधर बोथ ए एंड बी दिया है तो मेरे को बी भी चेक करना चाहिए फिर से करेंगे अब तो अपने लिए फिफ्टीन मंथ्स कैल्सी के लिए चार आगे काउंटर मतलब नाइनटीन मंथ्स चल फटाफट करो क्लियर किया हंड्रेड प्लस इक्वल टू माइनस फाइव इक्वल टू अपने लिए सेकेंड मंथ कैल्सी के लिए सिक्स अपन को जाना है फिफ्टीन मतलब कैल्सी के लिए नाइनटीन जैसे ही ऊपर काउंटर नाइनटीन दिखेगा आप दबाना जी टी फिर नाइन सेवनटी फाइव आ रहा तो है तो एन जब फिफ्टीन मंथ्स है तभी भी नाइन सेवेंटी फाइव आ रहा है अब इधर हुआ क्या है एन ट्वेंटी सिक्स ने भी आंसर दिया एन फिफ्टीन ने भी आंसर दिया मतलब क्या इन फिफ्टीन मंथ्स एंड इन ट्वेंटी सिक्स मंथ्स यू कैन पे द एंटायर अमाउंट अब आपको क्या लगता है आंसर बी है कि सी है देखो अभी पॉइंट क्या है ना एक एक डिस्कशन में दे रहा हूँ फिर आप आंसर्स कमेंट कर देना इधर बोल क्या रहा है इन वॉट टाइम द एंटर अमाउंट विल बी पेड तो आपने आज सौ रुपए दिया ये मंथ नेक्स्ट नाइनटी फाइव नाइन्टी ऐसा आप कम करते गए तो सबसे पहले एट द अर्स्ट आप कितने टाइम में इंस्टॉलमेंट भर देंगे पूरा जो टोटल मनी मनी है नाइन सेवनटी फाइव में आप वो भर देंगे फिर क्या आप उसको ट्वेंटी मंथ्स में भी भरना चाहते हैं मुझे बताना सो वॉट डू यू थिंक इज योर आंसर बी या सी लेट मी नो द आंसर आपको क्या लग रहा है पक्का क्योंकि बी ए और बी मतलब ट्वेंटी सिक्स मंथ में भी भर जाएगा फिफ्टीन मंथ्स में भी भरते आएगा आप बता रहे आपको क्या लग रहा है क्लियर नेक्स्ट इफ द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज थ्री एन स्क्वायर माइनस एन एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज सिक्स इट्स फर्स्ट टर्म इज इजार ये अपना वो फॉर्मला याद है ऐसे एन ऐसा है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन अपना कॉमन डिफरेंस इधर से पता है टू टाइम्स ए होता है एंड द फर्स्ट टर्म इज ए प्लस बी क्वेश्चन ने क्या बोला फर्स्ट टर्म कंपेयर करते हैं ए एन स्क्वायर प्लस बी एन के साथ कंपेयर करेंगे तो ए कितना है थ्री बी कितना है माइनस वन है रे बाबा ध्यान से तो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म थ्री प्लस माइनस वन टू सुपर स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट अपने इंपॉर्टेंट रिजल्ट बेस्ड कितने बार किया है इन अ सर्वे ऑफ 300 हंड्रेड कंपनीज द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग डिफरेंट मीडिया न्यूज पेपर रेडियो टेलीविजन आर एज गिवन सो डेटा दिया है इधर एक एन ऑफ एन होना चाहिए स्मॉल अल्फाबेट एक और करेक्शन एन इंटरसेक्शन आर एन इंटरसेक्शन आर है तो इधर एक चेंज करेंगे एन आर है आर टी है तो एन टी कर दे एक को क्वेश्चन ने क्या बोला फाइंड द नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग नन ऑफ दिस मीडिया व्हाट डू यू मीन बाय नन ऑफ दिस मीडिया मतलब ऐसे कंपनीज जो न्यूजपेपर भी नहीं यूज़ कर रही मीडिया भी नहीं यूज रेडियो भी नहीं यूज़ कर रही एंड टेलीविजन भी नहीं यूज़ कर रही मीन्स वॉट टी भी नहीं एंड आर भी नहीं एंड एन भी नहीं वी कैन राइट दिस एज एन ऑफ न्यूज़पेपर भी नहीं एंड रेडियो भी नहीं एंड टेलीविजन भी नहीं क्लियर नन ऑफ दिज मतलब पहला भी नहीं एंड एंड मैंने इंटरसेक्शन दूसरा भी नहीं नहीं मतलब कॉम्प्लीमेंट एंड तीसरा भी नहीं ये तीनों के सर पे डैश है तो इधर से अपन ने क्या बोला डी मॉर्गन्स लॉ डैश कॉमन लिखलने का अंदर सब उल्टा तो एन ऑफ एन यूनियन आर यूनियन टी द होल डैश अब अगर होल कॉम्प्लीमेंट होता है तो अपन इसके बाद क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ यूनिवर्सल सेट में से ये सब पैक करने का

ए इधर मैंने गलती से प्रोबेबिलिटी वाला स्क्रीन रख दिया सॉरी बट वी कैन राइट इट राइट अपन कैसे रटे ये, ये तीन का यूनियन चाहिए तो इंडिविजुअल का एडिशन फिर दो दो का इंटरसेक्शन का सप्रैक्शन और तीनों के इंटरसेक्शन का एडिशन सेम वे में एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी क्या हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ सी माइनस दोनों के इंटरसेक्शन का सप्रैक्शन ए बी की जोड़ी बी सी की जोड़ी और ए सी की जोड़ी का इंटरसेक्शन एंड तीनों के इंटरसेक्शन का एडिशन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी अब ए बी सी के जगह आप एन आर टी यूज कर लो तो एन ऑफ एन पहला वाला टू हंड्रेड दिखता है टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस फोर्टी अब दोनों के इंटरसेक्शन का सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस फिफ्टी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव और तीनों के इंटरसेक्शन का एडिशन मतलब यह. तो ये निकाल ले पहले चल क्विक टू हंड्रेड प्लस हंड्रेड प्लस फोर्टी माइनस फिफ्टी माइनस ट्वेंटी माइनस ट्वेंटी फाइव प्लस फाइव दिस कम्स आउट टू बी टू फिफ्टी तो आपको किसका वैल्यू मिल गया ये जो वैल्यू है ए यूनियन बी यूनियन सी मतलब आपको इसका वैल्यू मिल गया दिखता है क्या कितना ये है अपना टू फिफ्टी और ये कितना है सैंपल ये यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं थ्री हंड्रेड सो थ्री हंड्रेड माइनस टू फिफ्टी इज हाउ मच फिफ्टी क्लियर ये तीन सेट के यूनियन का फॉर्मला है ये मैंने गलती से प्रोबेबिलिटी वाला लिख दिया था तो सॉरी इधर मतलब स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया गलती से आई होप दिस इज क्लियर रे ए ये अपने फेवरेट क्वेश्चन होते हैं जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी वाले ये सेम क्वेश्चन अपन ने लेटेस्ट वाले एमटीपी में किया आपने अभी कवर किया रहेगा टास्क सीरीज में भी चलिए एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दिया क्या मांगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स तो ये कैसे लिखते हैं अपन ऑफ एफ ऑफ एक्स नाउ व्हाट इज एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स है अपना एक्स प्लस टू अब ये कैसे सॉल्व करेंगे जी ऑफ एक्स वाले फंक्शन में जिधर भी एक्स उधर क्या डालेंगे X 2. मतलब 7 X 2 हो जाएगा. अब ये कोई ऑप्शन में नहीं है ये अलग है क्या ये एक्स प्लस टू पावर में अपन क्या बोल सकते हैं ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन इज ए रेस टू एम प्लस एन बेस सेम है तो पावर ऐड कर ले या पावर एडेड है तो सेपरेट कर दे बेस के साथ तो ये सेवन रेस टू एक्स इंटू सेवन रेस टू टू है वॉट इज सेवन स्क्वायर फोर्टी नाइन सो सेवन रेस टू एक्स इन टू फोर्टी नाइन इज द आंसर या आप ऐसा लिख दो फोर्टी नाइन इन टू सेवन रेस टू एक्स विच इज माई ऑप्शन सी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड ए दिया है आर रिलेशन दिया इस अरे थे भाई अपन चलिए ध्यान से अपन को चेक करना है कि ये चार में से कौन है अगर सेट ए में वन टू थ्री है यह रिफ्लेक्सिव कब होगा जब खुद का जोड़ी खुद के साथ मतलब वन वन टू टू थ्री थ्री ये तीनों पैर होने चाहिए वन वन है एकमाया टू टू है थ्री थ्री है सो so, ये गारंटी रिफ्लेक्सिव तो है अब चेक इक्विवेलेंस है तो चेक करना पड़ेगा सिमेट्रिक चेक करते हैं व्हाट डू मीन बाय सिमेट्रिक अगर वन का जोड़ी टू के साथ है तो टू का वन के साथ होना चाहिए लेट्स चेक दैट नाउ ओके वी आर चेकिंग फॉर सिमेट्रिक वन तो नहीं टू थ्री है तो थ्री टू होना चाहिए था नहीं है वन टू है तो टू वन भी होना चाहिए था वो भी नहीं है मतलब ये गारंटी सिमेट्रिक नहीं है आप समझ रहे हैं अगर सिमेट्रिक नहीं है तो इक्वैलेंस नहीं हो सकता तो ट्रांजिटिव चेक कर लेते फिर भी ट्रांजिटिव मतलब ए की जोड़ी बी के साथ बी की जोड़ी सी के साथ तो ए की जोड़ी सी के साथ होनी चाहिए इधर वो कैसे बोला ये देखो वन की जोड़ी टू के साथ है टू की जोड़ी थ्री के साथ है तो इसका मतलब वन की जोड़ी थ्री के साथ होनी चाहिए थी दिस इज मिसिंग नॉट देयर मीन्स ये ट्रांजिटिव भी नहीं है तो गारंटी ये रिफ्लेक्सिव है क्लियर नेक्स्ट कॉस्ट फंक्शन प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट ऑफ अ कमोडिटी सी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब प्लस दस्ट विल बी मिनिमम वेन एक्स तो मिनिमम बोला मतलब मैक्मम मिनिमम का क्वेश्चन है इधर एक चीज एरर है यार ये प्लस नहीं होना चाहिए था दिस शुड भी माइनस दिस शुड भी माइनस तो ये एक एरर है यार ये क्वेश्चन में आप चाहिए तो ये तीन रेफरेंस है इसमें चेक करना मई 2018 का क्वेश्चन है ये दिसंबर 2022 में सेम टाइप का क्वेश्चन आया था लेटेस्ट एम टी पी वन में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अपने की है उधर ये नेगेटिव ही है अगर आप पॉजिटिव लेंगे तो आंसर नहीं आएगा मतलब फिर आपको जो एक्स है वो नेगेटिव आएंगे तो दैट्स नॉट एक्सेप्टेड तो आपके पास कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है कितना टू एक्स क्यूब माइनस फिफ्टीन एक्स स्क्वायर प्लस थर्टी सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन आपको बोला कॉस्ट मिनिमम के लिए एक्स निकालो तो मैक्सिमा मिनिमा में पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे डी सी बाई डी एक्स एक बार डेरिवेट कर दे यार एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्स स्क्वायर तो ये टू इंटू थ्री एक्स स्क्वायर विल बी सिक्स एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स फिफ्टीन इंटू टू एक्स थर्टी एक्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन और ये तो हो गया जीरो तो ये डी सी बाई डी एक्स आ गया क्लियर अब मेरे को करना क्या है फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो चल करतेवल टू जीरो सिक्स कॉमन लिया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो सिक्स उधर जाके जीरो तो क्वाड्रेटिक क्या बना है ऐसे दो नंबर जिसका मल्टीप्लीकेशन प्लस सिक्स एंड एडिशन माइनस फाइव होना चाहिए थ्री टू जा, दोनों भी नेगेटिव वाले एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो तो इधर से क्या है एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री तो इधर से अपन ने क्या बोला एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज जीरो तो एक्स माइनस टू इज जीरो और एक्स माइनस थ्री इज जीरो तो एक्स आया टू या तो एक्स आया थ्री अब ये दोनों में से कौन आंसर है इसका डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा डी स्क्वायर सी बाय डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स तो सिक्स इंटू टू एक्स ट्वेल्व एक्स थर्टी इंटू वन थर्टी ये तो गया खत्म अब इसमें एक बार एक्स के जगह टू पुट करते इसमें एक बार एक्स के जगह थ्री पुट करते चल तो क्या आ रहा है ट्वेल्व देखते हैं ट्वेल्व इंटू टू माइनस थर्टी ट्वेंटी फोर माइनस थर्टी माइनस ट्वेंटी फोर डबल डेरिवेटिव लेस देन जीरो मतलब इधर है मैक्सिमा अपन को चाहिए मिनिमम तू चलेगा नहीं चेक करते ट्वेल्व थ्रीजा थर्टी सिक्स माइनस थर्टी ये रहा है सिक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब गारंटी इधर कौन है मिनिमा समझे कि नहीं अगर एक्स की वैल्यू डबल डेरिवेटिव में डाली वैल्यू आया ग्रेटर देन जीरो मतलब वो पॉइंट पे मतलब थ्री पे मिनिमम है सो वॉट इज आर आंसर थ्री मेक श्योर sure आप ये करेक्शन करें यार तो इधर करेक्शन हंड्रेड परसेंट है नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स तो इधर क्या दिया हुआ है भाई f of X, थोड़ा सही से प्रिंट नहीं किया बट दिस इज ये कॉम्बिनेशन चाहिए तो f बोला मतलब एक बार इसको डिफ्रेंसिएशन करना है सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला यूज करें एन सी आर अपन कैसे करते हैं या अगर मैंने बोला फाइव सिक्स फाइव सी टू चाहिए आप इसको कैसे लिखेंगे फाइव को दो बार रेड्यूस करेंगे मतलब ऐसा फाइव इंटू फोर दो बार रेड्यूस किया आप और नीचे टू है तो टू का फैक्टोअल करेंगे जमरा ना पक्का या तो आप नॉर्मल फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं तो एक्स सी थ्री मतलब एक्स को तीन बार तीन टर्म्स लिखना है रेड्यूस करके पहले एक्स फिर एक्स माइनस वन फिर एक्स माइनस टू दिख रहा है तीन टर्म्स और नीचे थ्री का फैक्टोरियल थ्री इंटू टू इंटू वन इज दिस क्लियर तो क्या आया नीचे बचा सिक्स अब ऊपर ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं ध्यान से देख एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू माइनस टू माइनस टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस टू वन जर टू ध्यान से माइनस टू एक्स माइनस एक्स विल बी माइनस थ्री एक्स कैन यू ओपन द ब्रैकेट एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब थ्री एक्स स्क्वायर टू एक्स द होल अपॉन सिक्स ये आया एफ ऑफ एक्स अब मेरे को चाहिए एफ डैश वन तो पहले एफ डैश निकालेंगे एक बार डिफरेंशिएट करते हैं नीचे वाले सिक्स को मैंने भार ले लिया ऐसा वन बाय सिक्स कॉन्स्टेंट जैसा लेट्स डिफ्रेंशिएट एक्स क्यूब का डिफ्रेंसिएशन थ्री एक्सक्वायर थ्री इंटू एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन टू एक्स तो थ्री इंटू टू एक्स इज सिक्स एक्स टू इंटू एक्स का डिफ्रेंसिएशन वन तो टू आई ये आ गया अपन को एफ डैश एक्स वी वॉन्ट एफ डैश वन एक्स के जगह डाल दे वन सो एफ डैश वन देख ध्यान से नीचे वन बाई सिक्स है ऊपर वन का स्क्वायर वन थ्री वन सा थ्री माइनस सिक्स इंटू वन इज सिक्स प्लस टू तो ये कितना हो रहा है तीन में दो ऐड किया पाँच पाँच माइनस छ माइनस वन सो वन बाय सिक्स इंटू माइनस वन इज माइनस वन बाय सिक्स विच इज माई ऑप्शन बी क्लियर है नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट वन कामा टू एंड हैज द स्लोप थ्री एक्स माइनस फोर एड एंड एट द पॉइंट होना चाहिए एट द पॉइंट एक्स कॉमा वाई इज तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपको बोला द इक्वेशन ऑफ द कर्व विच पासिस थ्रू द पॉइंट हैज द स्लोप थ्री एक्स माइनस फोर मतलब डी वाई बाई डी एक्स आपको दिया हुआ है थ्री एक्स माइनस फोर पॉइंट आपको पता है वन कोमा टू और आपको इक्वेशन चाहिए तो आपने क्या बोला इधर से इक्वेशन कैसे आएगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा देखो लॉजिक क्या है इक्वेशन अगर होता है उसका स्लोप कैसे निकालते हैं डिफ्रेंशिएट करके अगर स्लोप है

अब मेरे को सी भी चाहिए उसके लिए पॉइंट दिया वन कॉमा टू मीन्स वॉट अपना जो ये इक्वेशन है ये वो पॉइंट से पास होता है मीन्स दिस पॉइंट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन मतलब एक्स के जगह आप डालेंगे वन वाई के जगह आप डालेंगे टू लेट्स टू दैट इधर वाई के जगह टू एक्स के जगह वन वन का स्क्वायर x के जगह वन ये इधर से आया समझे राइट लेट्स टू इजिकल टू कितना थ्री बाय टू माइनस फोर प्लस सी सब इधर आ जाएगा तो सी का वैल्यू कितना ये सब इधर टू माइनस थ्री बाई टू प्लस फोर ये सब लाया इधर चल फोर और टू सिक्स तो सिक्स माइनस थ्री बाई टू टू सिक्स ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन बाई टू इज द वैल्यू ऑफ सी उठा के इधर भरे तो क्या हुआ वाई इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन टू माइनस फोर एक्स प्लस नाइन बाई टू ये अपना आंसर है डिनोमिनेटर का टू नहीं चाहिए मल्टीप्लाइंग बाई टू ऑन बोथ द साइड्स तो टू वाई टू

तो so स्लोप चाहिए टेंजेंट का इस कर्व को स्लोप चाहिए मतलब वाई बाई डी एक्स निकालेंगे क्या करेंगे बटा एक्स so का डिफ्रेंसिएशन वन माइनस वन का डिफ्रेंसिएशन जीरो सो वन माइनस जीरो इज वन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिफ्रेंसियन ऑफ डिनोम एक्स प्लस टू का डिफरेंटर चलिए एक्स प्लस से ब्रैकेट ओपन कर बैठा माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस टू द होल स्क्स का टूपर क्या अपॉन एक्स प्लस टू द होल स्क्स आया बट अपन को इसकी वैल्यू चाहिए एट x इक्वल टू टू तो अब अपन ने क्या बोला dy बाई डी एक्स में x के जगह डाल दे टू तो थ्री अपॉन टू टू जा फोर का स्क्वायर सो वॉट इज दिक्सटीन इजी नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्सर प्लस फाइव माइनस एक्स द होल स्क्वायर फ्रॉम जीरो से लेके टू ये अपना वो इंपॉर्टेंट रिजल्ट वाला दिखता है बाई टू या तो जैसे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन टू इधर अपन वो करते हैं ना एफ ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो से ए कैन बी रिटर्न इंटीग्रेशन ऑफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो से लेके मतलब जिधर भी एक्स है उधर क्या सब करने का ए माइनस एक्स तो वो वो डायरेक्ट फॉर्मूला तो ये डायरेक्ट आंसर और आ जाएगा फाइव माइनस जीरो बाई टू इज फाइव बाई टू पर इसको कैसे सॉल्व किया लेके फाइव

फाइव माइनस फाइव प्लस एक्स हो जाएगा लेट्स ओपन द ब्रैकेट सो माइनस फाइव और ये क्या हो जाएगा प्लस एक्स तो ये और ये कट गया तो अब इधर से सिर्फ क्या बचा है नीचे एक्स स्क्वायर बहुत बढ़िया तो इधर से सिर्फ क्या बच गया एक्स स्क्वायर अब आपने क्या बोला ये दो इक्वेशन को ऐड करिए आई आई टू आई दोनों का डिनोमिनेटर सेम है दिखता है क्या एक्स स्क्वायर प्लस ये ब्रैकेट एक्सक्वायर प्लस ये ब्रैकेट सो डिनोमिनेटर इज सेम न्यू मारेटर अपन ऐड कर सकते हैं तो न्यू मारेटर ऐड करेंगे पहले का न्यू मारेटर एक्स स्क्वायर प्लस दूसरे का डी न्यू मारेटर फाइव माइनस एक्स द होल स्क्वायर कट गया दिखता है क्या तो क्या बचा है इंटीग्रेशन डी एक्स फ्रॉम जीरो से लेके फाइव कितना आएगा इंटीग्रेशन एक्स लिमिट जीरो से लेके फाइव ये है टू आई की वैल्यू फाइव एक बार पुट किया एक बार जीरो माइनस जीरो आई कितना फाइव अपॉन टू विच इज माई आंसर क्लियर है इधर अपने सब 40 क्वेश्चंस कवर होते हैं मैथ्स के आई डिड इट बिट स्लोली आपको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए लेट स्टार्ट विद लॉजिकल रीजनिंग क्या बोल रहे हैं ध्यान से इधर भी एक मिस्टेक नहीं इधर सही बाद में उन्होंने करेक्ट किया इधर स्पेलिंग इनिशियली रॉन्ग दिया था 20 का कोड दिया है इलेवन का कोड दिया है ट्वेल्व का मांगा है तो आपने क्या बोला टी कौन है ये ऐसा टी डब्ल्यू ई एन टी वाई ये इलेवन ई एल ई वी ई एन ट्वेल्व का टी कौन है एट W कौन है सिक्स E कौन है थ्री L कौन है L टू V एंड E, V इज जीरो E इज थ्री समझा सिर्फ कंपेयर कर रहे यार पी ये है P आ, W e तो ये है E ये ऐसा तो ट्वेल्थ का कोड क्या है एट सिक्स थ्री टू ज़ीरो थ्री एट सिक्स थ्री टू जीरो थ्री फाइंड द नेक्स्ट नंबर ऑफ द सीरीज ए ये मॉडल का क्वेश्चन बड़ी इधर ध्यान से आप सेवन ट्वेंटी थ्री फोर्टी सेवन सेवेंटी नाइन ये दिख रहा है ये किसका स्क्वायर है थ्री का स्क्वायर में से दो सपरा किया दिख रहे ये फाइव के स्क्वायर में से दो ये। सेवन के स्क्वायर में से दो सप्रा किए ये एटी वन ये सेवन चलता फोर्टी नाइन ये किसका स्क्वायर है भाई नाइन का स्क्वायर एटी वन में से दो सपरा किया के में से दो सफरा किया ये लास्ट वाला 169 कैसे आएगा 13 के स्क्वायर में से दो सप्ताह किया तो फाइनली क्या आने वाला है दिख रहे थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन तो बाद में क्या आने वाला है 15 का स्क्वायर माइनस टू जो मॉड्यूल में एक सामे उधर प्राइम नंबर का सीरीज बन रहा है इधर दिख रहा है थ्री फाइव सेवन नाइन इलेवन थर्टीन तो फिफ्टीन का स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है 225 ट्वेंटी फाइव माइनस टू इज टू ट्वेंटी थ्री सो द आंसर क्लियर अगर प्राइम नंबर सीरीज आता प्राइम नंबर सीरीज मतलब ये नंबर नहीं होता नाइन वाला थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सेवनटीन आता तो टू एटी द ऑड मैन आउट भाई दो बार ये सेम क्वेश्चंस अपन ने किया हुआ है चलिए अपन ने ये लॉजिक कैसे यूज करना अभी इधर ध्यान देना नंबर क्या है थर्टी फोर हंड्रेड एंड फाइव फोर ट्वेंटी बहुत ग्रेजुअली ड्रास्टिकली नंबर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो मल्टीप्लीकेशन होता है तो अपन कैसे चेक करते हैं वन जीरो डिवाइड करने का थर्टी फोर से थ्री पॉइंट कुछ तो कुछ तो आ रहा है तो अपन इधर क्या करेंगे थर्टी फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करके देखते हैं थर्टी फोर इंटू थ्री कितना आ रहा है एक सौ दो उसमें तीन ऐड करना पड़ेगा तो आपने क्या किया थर्टी फोर इंटू थ्री प्लस थ्री किया तो वन जीरो फाइव आ रहा है अब इससे ये चाहिए फोर ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई वन जीरो फाइव किया फोर से जा रहा है तो आपने क्या बोला वन जीरो मल्टीप्लाई करते देखते कितना ऐड करना है फोर ट्वेंटी चार ऐड करना पड़ेगा तो अब आपको पैटर्न दिख गया क्या हो रहा है को आपको क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और फाइव ऐड करना पड़ेगा एच टू फोर ट्वेंटी फोर इंटू फाइव प्लस फाइव आता है टू वन टू फाइव ये रॉन्ग हो गया और फाइनली एक और चेक कर लो टू वन टू फाइव को सिक्स से मल्टीप्लाई करके सिक्स ऐड करने का into 6 सिक्स प्लस सिक्स कम्स आउट टू बी वन टू सेवन फाइव प्लस सिक्स यार वन सॉरी टू वन टू फाइव इन सिक्स प्लस सिक्स वन टू सेवन फाइव सिक्स तो ये भी सही है तो ऑड मैं आउट इधर कौन है टू वन टू थ्री सिमिलर क्वेश्चन किया है फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज ए ए सी सी ई जी जी ए बी सी दो का जंप है सी डी ई दो का जंप है ई एफ जी दो का जंप है जी एच आई आएगा स्टार्टिंग और एंड में नंबर से टर्म सेम है वो जो अल्फाबेट है वो सेम है लेटर सेम है फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी तो इधर ट्वेंटी फाइव आना चाहिए तो आई ट्वेंटी फाइव आए वेरी इजी आई गेस नेक्स्ट फाइंड द नेक्स्ट टर्म ऑफ द लेटर सीरीज क्यू पी ओ एन एम एल एक 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 फर्स्ट फर्स्ट का देखते देखो क्यू के बाद में एन वाला देखते हैं कुछ पैटर्न है क्या क्यू के बाद में एन एक दो तीन का जंप है एन के बाद में के एक दो तीन का जंप है के के बाद में एच एक दो तीन का जंप है तो एच के बाद में तीन एक दो तीन मतलब आंसर ई से स्टार्ट होगा इधर तो माइनस थ्री हो रहा है इन शॉर्ट यार पी की बात करें पी एम चेक करते हैं, चलिए पी का एम के साथ एक दो तीन तीन ही हो रहा है यार एम और जे एक दो तीन जे और जी एक दो तीन तो एक दो तीन डी आएगा ई डी आंसर कर लेते हैं, लास्ट वाला भी लास्ट वाला क्या है ओ फिर एल तीन ही है क्या एक दो तीन यस एल के बाद में आया एक दो तीन यस आई के बाद में एफ एक दो तीन एफ के बाद में एक दो तीन तो ई डी सी गारंटी ए ऑप्शन सो ऑल थ्री अल्फाबेट्स में माइनस ऑल थ्री पोजिशन पे माइनस थ्री करना है यार बस if play is coded as 8123 rhyme is coded as 49376 then meal नाइन थ्री सेवन सिक्स देन मील तो ये प्ले के लिए है p l a y r h y m e अपन को चाहिए meal m कौन सिक्स e कौन सेवन a और l a टू l वन सिक्स सेवन एम में किए हैं दिसंबर वाले नेक्स्ट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रूम आर एट मीटर एंड सिक्स अलॉन्ग ऑल फोर वॉल्स एंड फाइनली अलॉन्ग डायगोनल इन ऑर्डर टू कैच अ रैट हाउ मच टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय कैट वाह वाह तो क्या बोला एक रूम है एक रूम है रूम का लेंथ दिया है आपको आठ ये लेंथ हुआ ए और ब्रेथ दिया है छ तो ये ब्रेथ है तो एक बिल्ली है वो रन अलोंग ऑल द फोर वॉल्स मतलब ये चारों जगह भाग गई एंड फाइनली अलॉन्ग डायगोनल तो ऐसा समझो इधर से स्टार्ट किया ऐसी गई ऐसी गई ऐसी गई ऐसी गई और फिर डायगोनल गई एक और जाके चूहे को पकड़ लिया इतना समझा तो टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया तो उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया चारों वॉल पे भागी मतलब सिक्स प्लस एट प्लस सिक्स प्लस एट पेरीमीटर हुआ प्लस डायगोनल ये डायगोनल कैसे निकालेंगे ये पाइथागोरस थ्योरम क्या बोला ये क्या है अंडर रूट ऑफ

आगे After this, he turned left. तो अब इधर 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 से से गए किलोमीटर आगे तो तो अगर इदर, ये उनका है से है घर तो जाना मतलब ये इतना डिस्टेंस कवर करना है स्ट्रेट ये हुआ टेन और ये हुआ फाइव तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया फिफ्टीन वेरी हरी

तो हाउस से उन्हें स्टार्ट किया ये समझा क्या अगर घर ईस्ट में है इधर से अगर चलना चालू किया तो एस yes. चल इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू गो टू यूनिवर्सिटी स्टार्टेड फ्रॉम स्टार्टे हाउस इन द ईस्ट ईस्ट में उनका हाउस था उधर से वो चले ठीक है एंड केम टू अ क्रॉसिंग तो अब ये क्रॉसिंग हो गया समझो ये अपना क्रॉसिंग है ठीक है इधर आ गए वो अब क्या बोला द रोड टू द लेफ्ट एंड इन थिएटर अगर क्रॉसिंग पे है लेफ्ट मतलब नीचे इधर अपना थिएटर है आगे स्ट्रेट अहेड इज द हॉस्पिटल इधर हॉस्पिटल है तो इधर कौन रहेगा यूनिवर्सिटी अब क्या बोला इन विच डायरेक्शन इज द यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी इज इन द डायरेक्शन समझा राइट ये इंपॉर्टेंट था ही स्टार्टेड फ्रॉम द हाउस इन ईस्ट मतलब उनका घर ईस्ट में है इधर से उन्होंने स्टार्ट किया क्लियर चल शिवम स्टार्टेड फ्रॉम इज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट अब ये क्या बोला उन्होंने उनके घर से स्टार्ट किया लेकिन टूअर्ड्स वेस्ट गए वो ये इंपॉर्टेंट है उनका घर जिधर भी है ही स्टार्टेड फ्रॉम इज हाउस टूवर्ड्स वेस्ट तो अब ये गए वेस्ट ये समझो उनका हाउस किधर तो है उधर से वो गए वेस्ट आफ्टर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ फिफ्टीन किलोमीटर फिफ्टीन मीटर ही टर्न टू द राइट एंड वॉक टेन किलोमीटर्स टेन मीटर्स यार तो वो वेस्ट जा रहे थे राइट right, मतलब ऊपर गए दस मीटर ही देन अगेन टर्न टू द राइट एंड वॉक फाइव तो इधर से राइट गए फाइव आफ्टर दिस ही इज टू टर्न राइट इधर से उनको फिर राइट right जाना है राइट right, मतलब नीचे साइड एट वन थर्टी फाइव डिग्री टू कवर टेन मीटर्स अब देखिए ध्यान से यार अब वो जा रहे एक्चुअली ये डायरेक्शन में है अभी उनका पाथ ऑफ एक्शन ये है इधर से उनको जाना है राइट राइट मतलब ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन में वन थर्टी फाइव डिग्री अब वन थर्टी फाइव डिग्री मतलब कितना अधिक ध्यान से समझना चाहिए तो अपन एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ करते हो वन थर्टी फाइव डिग्री मतलब इधर से ये नाइन्टी डिग्री नाइन्टी से और फोर्टी फाइव मतलब ये डायरेक्शन में हो जाएगा तो ये टोटल हुआ वन थर्टी फाइव डिग्री समझा क्या वो जा रहे थे ये डायरेक्शन मतलब ईस्ट है ईस्ट में से राइट जाना है वन थर्टी फाइव डिग्री मतलब ऐसे थे वन थर्टी फाइव डिग्री ये आएगा समझे क्या ये उनका लाइन ऑफ एक्शन है इधर से राइट वन थर्टी फाइव डिग्री मतलब ये डायरेक्शन ये डायरेक्शन मतलब कौन सा हुआ भाई ये होता है अपना साउथ ये होता है वेस्ट तो ये कौन सा हुआ साउथ वेस्ट सो दिस इज साउथ वेस्ट इजी गुड क्वेश्चन ए इंटू बी मीन समथिंग सब 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 दिया है क्वेश्चन ने क्या मांगा देन इन ये एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू चल ध्यान से पी परसेंट क्यू की तरह ए परसेंट भी मतलब क्या ए इज ईस्ट ऑफ बी तो पी परसेंट क्यों मतलब क्या पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू मतलब पी जो है वो ईस्ट में है क्यू के समझा क्या ए परसेंट बी में ए बी की जगह पी क्यू डालो पी परसेंट क्यू पी इज टू द ईस्ट ऑफ क्यू पी जो है वो क्यू के ईस्ट में है चल नेक्स्ट क्यू प्लस आर क्यू प्लस आर क्यू इज नॉर्थ ऑफ आर समझा मैंने क्यू और आर इधर डाला क्यू इज नॉर्थ ऑफ आर क्यू जो है वो आर के नॉर्थ में है बहुत बढ़िया आर माइनस एस आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस आर इज टू द वेस्ट ऑफ एस एस के वेस्ट में आर है क्वेश्चन को क्या चाहिए एस इज इन विच डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू मतलब क्यू पे खड़े रहेंगे और चेक करेंगे एस कौन से डायरेक्शन में तो एस कौन से डायरेक्शन में है भाई ये साउथ ये अपना ईस्ट तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट तो आंसर क्या है इजी नेक्स्ट ए पी आर एक्स एस एन जेड आर सिटिंग एंड पी आर एट आर इज सिटिंग टू लेफ्ट ऑफ पी सेम क्वेश्चन ट्वेंटी में किएन ए अपन. थ्री नहीं रे बाबा ट्वेंटी थ्री का एम टी पी सेकेंड वाला तो आया भी नहीं क्या करते नहीं, क्या बोल रहे कि एक दो तीन चार छः छह लोग रो में बैठे एस एंड आर इन द सेंटर छह लोग ना एक दो तीन चार पाँच छः एस एन जेड आर इन द सेंटर तो एस जेड हो सकता है या तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है यार जेड एस भी हो सकता है ऑर्डर पता नहीं है ए एंड पी आर एट द एंड मतलब ए पी या पी ए पॉसिबिलिटी है तो इसमें ए पी पी ए हो सकता है या तो ए पी पी ए हो सकता है एक मिनट

लेफ्ट में चाहिए ना तो ए लेफ्ट हैंड तो नहीं हो सकता तो इधर आर फिक्स कर दिया पक्का आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए अब एक पोजिशन बचा है उधर अपने पास सिर्फ एक्स है अच्छा क्वेश्चन को क्या मांगता है हु इज टू द राइट ऑफ पी तो कोई भी केस लो पी के राइट right में तो एक्स ही है तो अपना आंसर क्या है भाई एक्स क्लियर है पक्का नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं शाम सतीश अमर एंड पवन आर प्लेइंग कार्च अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश हु इज टू द राइट ऑफ शाम इज टू द राइट ऑफ अमर तो क्या बोल रहे हैं अपन इधर ऐसे चार लोग बना देते कार्ड प्ले कर रहे हैं मतलब सर्कल में यह ऐसे चार लोग क्या बोला अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश तो इधर अगर सतीश है उसके राइट में अमर कर दिया समझा अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश सतीश ये सेंटर में फेस करेंगे ना कार्ड्स प्ले कर रहे तो ये yes. कार्ड ही प्ले कर रहे ना सतीश के राइट में अमर है अमर टू द राइट ऑफ सतीश सतीश के राइट में रहा है राइट में सतीश है तो इधर कौन रहेगा गारंटी पवन रहेगा क्लियर क्वेश्चन को क्या चाहिए राइट ऑफ अमर अमर फेस अंदर कर रहा है राइट में कौन है उनके पवन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यार नेक्स्ट इन अब

दो तीन क्यू है तो अपन ऐसा बोल सकते हैं ये हुआ ट्वेल्व तो लेफ्ट से क्यू जो है वो 10th position पे है और अगर राइट से काउंट करेंगे तो क्यू ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन पे है ये भी क्लियर है क्या अपन ने ट्वेंटी वन में एक मतलब सेम तरीका है लॉजिक अलग यूज किया था इधर अलग करते हैं तो क्या बोला क्यू जो है वो राइट से ट्वेंटी फोर्थ पोजिशन पे है, और लेफ्ट से Position पे आप ध्यान देना तो अपन ने ऐसा क्या बोला ना देख क्यू जो है राइट right से ट्वेंटी फोर्थ पे है, और लेफ्ट से टेंथ है मतलब इधर और बाकी लोग ट्वेंटी फोर है राइट में और उसके लेफ्ट में और नौ लोग है तो ट्वेंटी फोर प्लस क्लियर पक्का P इज द मदर ऑफ के पी इज मदर ऑफ़ के पी जो है वो मदर है किसकी के की तो अपन मदर ऐसा फीमेल है तो नेगेटिव मतलब माइनस साइन से बताया और एरो नीचे दिया ठीक के इज़ सिस्टर ऑफ डी के जो है वो सिस्टर है किसकी डी की डी इज फादर ऑफ जे तो डी जो है वो फादर है किसके जे के ये दोनों सिबलिंग्स हुए तो पी डी की भी मम्मी है चलिए डी इज फादर ऑफ जे हाउ इज़ पी रिलेटेड टू जे पी कौन है जे के फादर्स मदर ग्रैंड मदर ए प्लस बी ए इंटू बी ए माइनस बी ए परसेंट बी सब दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन शोज दैट क्यू इज ग्रैंड मदर ऑफ टी ओके तो अपन को सब ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे यार पहले ए चेक करते हैं क्यू माइनस पी प्लस आर परसेंट चल। क्यू माइनस पी करे Q माइनस पी मीन्स क्यू इज मदर ऑफ पी समझे Q इज मदर ऑफ P. Q जो है वो मदर है P की क्लियर P प्लस आर पी प्लस आर मीन्स आर इज ब्रदर ऑफ P समझा P प्लस आर मीन्स आर इज ब्रदर ऑफ P. R इज ब्रदर ऑफ P. पी आर परसेंटी आर परसेंट मीन्स आर इज फादर ऑफ T. R इज फादर ऑफ T. तो ये दोनों सिबलिंग्स हुए तो उनकी मम्मी कॉमन विच ज ग्रैंड मदर ऑफ टी क्यू टी की ग्रैंड मदर है फादर्स मदर ओ तो आंसर गारंटी ए नेक्स्ट रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन द कोड ऑफ फैमिली हु इज फादर इन देम ए हैश पी ए इज मदर ऑफ बी सो ए इज मदर ऑफ बी ये पहले से हो ए इज मदर ऑफ बी ओके बी डॉलर सी B is brother of C. B is brother of C. C into D. C is daughter of D. C जो है वो daughter है D की मतलब ये एक family है ये दोनों उनके बच्चे हुए A D couple है उनके बच्चे B और C. Who is the father? तो D is the father. Easy. Next. Good question. ध्यान से There are seven members A C D E F G H.

सिस्टर इन लॉ ऑफ डी डी की भाभी तो डी का कोई तो भाई होगा उनकी भाभी है ई e. ये एक कपल होगा समझा ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी ई जो है वो डी की भाभी है आगे जी इज डॉटर ऑफ सी तो जी जो है वो सी की डॉटर है जी इज डॉटर ऑफ सी एफ इज ब्रदर ऑफ ई तो ये जो भाभी है इधर उनका एक भाई है ए इज ग्रैंड फादर ऑफ जी जी के ग्रैंड फादर मतलब इधर होगा ऐसा रिलेशन ई इज मदर ऑफ एच ई जो है उनका एक बच्चा है एच जेंडर नहीं पता क्वेश्चन ने क्या बोला देर आर सेवन मेंबर्स मेंबर्स ऑफ अ फैमिली मतलब ए सी एच ए सी जी इधर ही कनेक्शन होगा तो टेक्निकली ऐसा आ जाएगा ए सी जी की सी इनका हस्बैंड होना चाहिए ई e का चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला दो फादर्स होने चाहिए वन मदर होनी चाहिए दो सिस्टर्स होनी चाहिए एंड चार ब्रदर्स होने चाहिए चलिए चेक करते हैं दो फादर चाहिए तो बेसिकली देख अगर ए सी जी इधर आया देखो ना ये कपला इनका फादर ए और इनका एक बच्चा डॉटर है जी तो ये मेल होगा तो अब दिख रहा है दो फादर ए इनके फादर है और सी जो है वो इन दोनों के फादर है तो सही बैठ रहा है ए एंड सी आर द फादर्स मदर एक ही मदर इधर दिख रही है टू e, okay. है क्या एफ की सिस्टर ई e, एक है एच की सिस्टर जी है तो दो सिस्टर भी है ई एंड जी क्वेश्चन ने क्या बोला चार ब्रदर्स इनका तो कोई भाई है नहीं ये एक भाई है एफ एफ जो है वो ई e का भाई है दिखता है एफ जो है वो ई e का भाई है ओके okay. सी किसी का तो भाई है अब चार भाई चाहिए तो ये भी मेल होना चाहिए ताकि डी और सी भाई भाई हो जाए और एच भी भाई होना चाहिए ताकि जी का भाई हो जाए तो मतलब एच मेल होना चाहिए इन शॉर्ट अब ये डायग्राम एकदम सही बन रहा है ये सब कंडीशन फुलफिल हो रहे दिखता है तो ए सी जी इधर डालना पड़ा एक फैमिली है और ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करने चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला हाउ इज एच रिलेटेड टू एच कौन है ए का सन्स सन ग्रैंड सन हाउ मेनी मेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली एक दो तीन चार पाँच फाइव गुड क्वेश्चन नेक्स्ट ए इज बीज सिस्टर ए जो है वो बी की सिस्टर है ए जो है वो बी की सिस्टर है ए इज बी सिस्टर सी इज बीज मदर तो ये दोनों की मम्मी है सी इज बीज मदर डी इज सीज फादर ओके डी जो है डी इज सीज फादर ई इज डीज मदर तो इनकी मम्मी एक है ई हाउ इज ए रिलेटेड टू दी ए कौन है डी का डॉटर्स डॉटर ग्रैंड डॉटर इधर अपना एल आर का भी सब क्वेश्चन कवर होता है लेट लेट्स अटैक स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है स्टार्ट का अ टेबुलर प्रेजेंटेशन कैन बी यूज्ड फॉर डिटो क्वेश्चन वी हैव डन इन ट्वेंटी 2021

इन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा लार्जेस्ट वैल्यू 45, फाइव स्मॉलेस्ट वैल्यू 25. इफ क्लासेस आर फोर देन क्लास इंटरवल इज अपने ये फॉर्मूला किया हुआ है अपन ने क्या बोला भाई नंबर ऑफ क्लासेस अपन को पता है कितने चार रेंज रेंज इज लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट फोर्टी फाइव माइनस ट्वेंटी फाइव तो विध कितना हुआ भाई फोर्टी फाइव माइनस अपऑन फोर तो कितना आ रहा फाइव सो वॉट विल बी द्लास इंटरवल इट वुड बी फाइव नेक्स्ट अ स्टूडेंट मार्क्स इन फाइव सब्जेक्ट आर गिवन इफ वी नीड टू ड्रॉ अ पाई चार्ट टू रिप्रेजेंट दिस मार्क्स वॉट विल बी देंट्रल एंगल ऑफ एस थ्री सेम डिट टो क्वेश्चन डिसंबर ट्वेंटी वन में किया तो सेंट्रल एंगल किसका चाहिए एस थ्री का तो क्या बोला एस थ्री के मार्क्स नाइनटी अपॉन टोटल मार्क्स टोटल मार्क्स मतलब एटी सिक्स प्लस सेवेंटी नाइन प्लस नाइन्टी प्लस एटी एट प्लस एटी नाइन तो फोर थर्टी टू और ये जो रेशो है इसको थ्री सिक्सटी डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे सेंट्रल एंगल चाहिए चलिए नाइन्टी इंटू थ्री सिक्सटी डिवाइडेड बाई फोर थर्टी टू कम्स आउट टू बी सेवेंटी फाइव डिग्री सुपर ईजी वेरी ईजी नेक्स्ट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विच आर गिवन इन असेंडिंग ऑर्डर इज ट्वेंटी तो ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में लगा है इनका मीडियन है ट्वेंटी फाइव फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स अपन ने स्टार्स के सेंचुरी में ये डिट्टो क्वेश्चन किया है कितने ऑब्जर्वेशंस है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है तो मीन मीडियन क्या होता है सेंटर टू का एवरेज या सेंटर टू का मीन एक दो तीन चार ये दो सेंटर होंगे तो इनका एवरेज लेना पड़ेगा तो एक्स प्लस टू प्लस एक्स प्लस फोर दोनों को ऐड किया दो से डिवाइड करेंगे सेंटर टू का एवरेज लेने का व्हेन इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर देयर दिस इज इक्वल टू अवर मीडियन सॉल्व करें एक्स एक्स टू एक्स दो और चार टू फिफ्टी टू ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई हुआ तो फिफ्टी हो जाएगा तो टू एक्स कितना फिफ्टी माइनस सिक्स इज फोर्टी फोर तो एक्स कितना आ गया फोर्टी फोर डिवाइडेड बाई टू ट्वेंटी टू नेक्स्ट द मीन ये भी सेम ओपन ने किया है

दमीन सैलरीज फाइव एट फाइव जीरो तो समेशन एक्स मिलेगा ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल एक्चुअली ओरली कैसे करने का ये दोनों को मल्टीप्लाई किया ये सब किया ये ऐड किया और डिवाइड बाई फिफ्टी खत्म चलिए आई एम एक्सप्लेनिंग ओके सो सम मिलेगा अपन को फाइव एट फाइव जीरो इन टू फिफ्टी किया तो so, ये क्या मिला टोटल मिला ये समेशन uh, एक्स मिला

तो जो वैल्यू आया उसको फिफ्टी से डिवाइड कर दो फाइव एट फोर सिक्स इफ द मोड ऑफ डेटा इज 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 मीन देन मीडियन डायरेक्ट मतलब ये अपना स्टैंडर्ड रिजल्ट है अपन को इधर कौन चाहिए मीडियन चाहिए तो आप इधर से डिराइव वो कर सकते हो या आपने डायरेक्ट फॉर्मूला रटा है तो भी फाइन फाइनर तो मीन माइनस मोड ये जस्ट आपके रेफरेंस के लिए मैं डिराइव कर रहा हूं यार अगर आपने रटा है डायरेक्ट तो इट्स गुड एक्चुअली अपन को किसका वैल्यू चाहिए मीडियन तो तीन मीडियन इधर आया नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव थ्री मीन माइनस मीन इज टू मीन और माइनस मोड उधर जाके प्लस मोड हो गया अब व्हाट इज मीडियन दिस अपॉन तो अगर आपने डायरेक्ट रटा हुआ है फॉर्मला तो व्हाट इज मीडियन टू टाइम्स मीन मीन कौन है ट्वेंटी फोर मीडियम कौन है एटीन डिवाइडेड बाई थ्री करे टू इन टू ट्वेंटी फोर प्लस एटीन सिक्सटी सिक्स डिवाइडेड बाई थ्री ट्वेंटी टू कौन क्लियर इफ फर्स्ट क्वार्टाइल इज 142 सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज इज 18 देन द वैल्यू ऑफ मीडियन इज सीबीटी 14 का क्वेश्चन दिसंबर की सेंचुरी में भी किया है अपन ने चलिए क्वेश्चन ने क्या बोला फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 तेरे को दिया है 142 सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज मतलब क्या होता है Q3 Q1 2 सेमी बीच का इन सेमी मतलब आधा इंटर मतलब बीच का, क्वार्टाइल का रेंज बड़ा माइनस छोटा ठीक है सेमी मतलब हाफ हाँ सो क्यू थ्री माइनस के साथ मल्टीप्लाई हो गया थर्टी सिक्स so, कितना 142 36 178. Q2, क्या होता है क्यू वन क्यू थ्री प्लस क्यून या क्यू वन प्लस अपॉइट टू चलिए ऐड करेंगे वन सेवेंटी एट प्लस वन फोर्टी टू डिडेड बाई टू कम्स आउट टू बी वन सिक्सटी आंसर नेक्स्ट ओरिजिन इज शिफ्टेड बाई फाइव वॉट विल एपन ओरिजिन अगर शिफ्ट करेंगे एच डी क्यू डी एम डी को चेंज ऑफ ओरिजिन से फर्क नहीं गिरता सिर्फ चेंज ऑफ स्केल से फर्क गिरता है देयर विल बी नो चेंज इन एच डी ओरिजिन इज डज नॉट अफेक्ट एच डी एम डी क्यू डी ओके फाइंड द थर्ड डेकाइल फॉर दिस कितने बार आया डिसम्बर फोर्टीन एम टी पी टू एम टी पी वन चल कितने लोग हैं एक दो तीन चार पाँच छः सात आप ये सब सॉल्व करके देखना इधर एक मिस्टेक है यार इधर एक कॉमा ये दिखे ना दो कॉमा इसके बीच में एक नंबर ट्वेंटी होना चाहिए यार आप ये सब रेफरेंसेज देखना ये वाला आपको मिलेगा यार तो देर आर टोटल नाउ एट पीपल एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ अगर आप ये ट्वेंटी नहीं लेंगे ना तो ऑप्शन आएगा नहीं यू कैन ट्राई फ्यू वन चलिए तो एंड लिया अपन ने एट लेट्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर नाइन टेन 11, 9, 10, 11, 12, 15, 12, 15, 18, 20, 25. आपको क्या चाहिए आपको चाहिए D3 right राइट थर्ड डे क्या होता है वो वैल्यू ऑफ 3 into n plus प्लस upon अपॉन observation. ऑब्जर्वेशन कितना 8. 8 plus वन upon टेंथ ऑब्जर्वेशन कितना हुआ 3 into 8 plus वन 9. 9 by 10 इज 0.9 थ्री नाइन सेवन तो ये कितना है टू पॉइंट ऑब्जर्वेशन अगर डेसिमल में है तो अपन इसको कैसे लिखते हैं वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑब्जर्वेशन प्लस डेसीमल वाला जीरो पॉइंट सेवन इससे नेक्स्ट थर्ड ऑब्जर्वेशन माइनस सेकेंड ऑब्जर्वेशन चलिए सेकेंड ऑब्जर्वेशन कौन है टेन थर्ड ऑब्जर्वेशन कौन है 11 11 माइनस टेन तो कितना है इलेवन माइनस टेन वन वन इंटू जीरो पॉइंट सेवन ईजीरो पॉइंट सेवन सो टेन प्लस जीरो पॉइंट सेवन इज टेन पॉइंट सेवन ये अपना डी थ्री है तो प्लीज इधर एक करेक्शन है नोट करिएगा प्लीज है ना ये एक ऐड करना है यार द हार्मोनिक मीन ऑफ टू नंबर्स फोर एंड देयर ए एंड अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सैटिस्फाई दिस इक्वेशन द नंबर्स आर सी पी टी जून टू थाउजेंड फिफ्टीन का क्वेश्चन एक तो चीज क्या दिया है? कि उनका जो हार्मोनिक मीन है वो फोर है और एक रिलेशन है टू ए प्लस जी स्क्वायर इज 7. तो चलिए रिवर्स टिक चेक करते हैं ए ऑप्शन इसका हार्मोनिक मीन निकाले वॉट इज हार्मोनिक मीन टू ए बी अपॉन ए प्लस बी चलिए तो हार्मोनिक मीन आ रहा है थ्री बाई टू मेरे को चाहिए फोर तो ए ऑप्शन रॉन्ग समझे नेक्स्ट नाइन कॉमा फाइव फटक से निकाले टू इंटू नाइन इंटू फाइव नाइन प्लस टू वन झा टू सेवन नाइन फाइव फोर्टी फाइव बाई से जो भी है वो तो नहीं और आंसर सी सिक्स थ्री टू इंटू सिक्स इंटू थ्री अपॉन सिक्स प्लस थ्री सिक्स प्लस थ्री नाइन लिख दो चल थ्री वन जा थ्री थ्री जा थ्री वन जा थ्री टू जा टू टू जा फोर अपन को हार्मोनिक मीन फोर चाहिए था तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुआ अब ये चेक करते हैं टू ए प्लस जी स्क्वायर अगर नंबर सिक्स और थ्री है तो ए कितना आएगा सिक्स प्लस थ्री बाई टू नाइन बाई टू मीन फोर पॉइंट या नाइन बाई टू लिख दो जोमेट्रिक मीन कैसे आएगा अंडर रूट ऑफ सिक्स इन टू थ्री विच इज अंडर रूट ऑफ एटीन इतना क्लियर है उसको क्या रिलेशन सेटिस्फाई करना है टू ए प्लस जी स्क्वायर सॉल्व करने का अगर ट्वेंटी सेवन आया तो सी परफेक्ट आंसर नहीं तो डी के पास जाएंगे चलिए टू ए प्लस जी स्क्वायर टू ए कितना है अपना नाइन बाई टू जी स्क्वायर मतलब रूट एटीन का स्क्वायर सो रूट एटीन का स्क्वायर कितना होता भाई अठारह होता टू और टू कट नाइन प्लस एटीन ट्वेंटी सेवन अपन को वही चाहिए था गारंटी अपना सी आंसर है भाई ये आपको समझा कैसे कर रहे रिवर्स ट्रिक का गेम इफ मीन एंड सी वी आर गिवन वॉट विल बी दूरा पी वाई क्यूज भाई चलिए का फॉर्मूला क्या होता है एच डी अपॉन मीन इन टू हंड्रेड सीवी कितना ये कुछ काम का डेटा नहीं अभी के लिए अपने लिए ट्वेंटी वन झा ट्वेंटी एटी से फाइव डिवाइड हुआ फाइव वन झा फाइव फाइव सिक्स थर्टी एच डी आया सिक्सटीन

चेंज ऑफ ओरिजिन से एच डी आर वेरियंस को कोई फर्क गिरता नहीं सो दे शैल रिमेन अनचेंज दे वी सेम मतलब वेरियंस और वैल्यू सेम आएगा क्या अपन को नहीं पता बट देयर वैल्यू विल हैव नो चेंज अपन ने ये किया है अलजेब्रिक समीवियंस ऑफ सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देर मैटिंग मीन ईज सी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स में मॉड्यूल में पड़ा है सेम डिटो क्वेश्चन डिसम्बर एटीन में आया था यार नेक्स्ट The AM ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन इज 9 AM of ऑफ फर्स्ट is इज AM of remaining ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन कंबाइंड मीन का क्वेश्चन है समझता है क्या टोटल देर आर 15 ऑब्जर्वेशन कंबाइंड मीन आपको दिया है नाइन पहला सेट में है नौ ऑब्जर्वेशन उसका मीन दिया है आपको इलेवन सेकेंड सेट में कितने लोगों फिफ्टीन में से नाइन गया सिक्स उसका मीन नहीं पता क्लियर <coughs> तो कंबाइंड मीन ही करते व्हाट इज कंबाइंड मीन एन वन एक्स वन बार प्लस एन टू एक्स टू बार अपॉन एन वन प्लस एन टू नाइन टू एन वन एक्स वन बार मतलब नाइन इन टू इलेवन प्लस ये नाइन किधर से आया कंबाइंड मीन भाई नाइन ऑब्जर्वेशन का इलेवन मीन था एन टू कितने सिक्स इंटू एक्स टू बार अपॉन टोटल कितने लोगे हैं फिफ्टीन कैसे सॉल्व करेंगे सीधा कैल्सी पे आ जाएगा फिफ्टीन नाइन से मल्टीप्लाई होगा तो ये ऐसा हो जाएगा फिफ्टीन इन टू नाइन नाइन इंटू इधर आके सब और इधर सिक्स एक्स टू बार तो ये मल्टीप्लीकेशन करना है फिफ्टीन इंटू नाइन एम प्लस कर दो नाइन इंटू इलेवन एम माइनस कर दो ये दोनों का नेट मेमोरी रिकॉल से थर्टी सिक्स आया सिक्स से डिवाइड कर दो सिक्स आ रहे है आंसर सो व्हाट इज सी बार सॉरी एक्स टू बार तो सेकेंड जो रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन है सिक्स उनका मीन कितना आया सिक्स ए इंटरसेक्शन बी दिया है बी कॉम्प्लीमेंट है ए सच दैट अरे अपने फेवरेट क्वेश्चन

Yeah, 0.5 0.1 upon 0.2 is 0.5 <coughs> in connection with कनेक्शन experiment रैंडम एक्सपेरिमेंट a ऑफ ए b ऑफ बी a ऑफ ए यूनियन भी of a, a, a complement सच that बी एज ऑलरेडी occurred सिमिलर questions अपन ने एक दो बार किए हुए नंबर्स एकदम सेम है सिर ये मांगा है ए डैश सच दैट बी एज ऑलरेडी ऑकड फॉर्मूला क्या होगा प्रोयर्टी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी अपॉन जो नीचे रहता है एज इट इज इसका फॉर्मूला कैसे किया अपन ने जिसके सर पे डैश नहीं पहले वो लिख तो किसके सर पे डैश नहीं है माइनस डैश निकाल के दोनों लिख तो अपन को, मतलब को कौन चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी वो अपने पास नहीं है वो एडिशन थियरम से आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है भाई प्रोवर्टी ऑफ ए प्लस प्रोर्टी ऑफ बी माइनस प्रोर्टी ऑफ ए इंटरसेक्शन अपन को तू चाहिए तू इधर तू है तू इधर तो तू इधर आया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और ये उधर जाके सबका है चलो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है टू बाई थ्री प्लस थ्री बाई फाइव माइनस फाइव बाई सिक्स सब कैल्सियम में डाल दो क्या टू डिवाइडेड बाई थ्री इक्वल टू जो भी है मेमोरी में स्टोर किया एम प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फाइव जो भी आंसर आया वो भी ऐड करना है एम प्लस फाइव डिवाइडेड बाय सिक्स जो भी आंसर आया सब करना है एम माइनस मेमोरी रिकॉल किया ज़ीरो पॉइंट फोर थ्री 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 आ रहे वो भर दो इधर <coughs> अब जो भी आंसर है उसको जीरो पॉइंट सिक्स से सब करना है तो मैंने इसको नेगेटिव साइन दिया प्लस माइनस दबा के प्लस जीरो पॉइंट 6 किया तो न्यूमरेटर आया जीरो पॉइंट उसको डिवाइड करते हैं जीरो पॉइंट सेवन लेट्स चेक विच ऑप्शन थर्टीन डिवाइडेड बाय एटीन नहीं चलेगा हाफ तो जीरो पॉइंट फाइव होता है थर्टीन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी जीरो पॉइंट सिक्स फाइव नहीं फाइव डिवाइडेड बाई एटीन जीरो पॉइंट टू सेवन ओ भाई परफेक्ट क्लियर इफ अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ फिफ्टी टू कार्ड्स एक कार्ड निकाल रहे तो सैम्पल स्पेस में कितने लोग आएंगे फिफ्टी टू वॉट इज द चांस वॉट इज अ प्रोर्टी ऑफ गेटिंग स्पेड और एस स्पेड या तो एस स्पेड कितने होते हैं थर्टीन एस कितने होते हैं फोर लेकिन एक कार्ड है जो स्पेड वाला एस होता है एस का स्पेड या स्पेड का एस बरबर तो अपन ने कैसे किया थर्टीन स्पेड या तो चार एज बट वन कार्ड इज कमिंग कॉमन इसमें स्पेड का एस है और इसमें एज जो है उसमें एक स्पेड है समझे ना तो बस थर्टीन प्लस फोर सेवेंटीन माइनस वन सिक्सटीन बाई फिफ्टी टू फोर से कटेगा फोर फोर जा फोर थर्टीन जेट फोर्ड द चांस ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ टेन इन अ सिंपल सिंगल थ्रो इज अब ये क्वेश्चन अगर सही है अगर एक ही थ्रो हो रहा है एक थ्रो हो रहा है तो एडिशन टेन तो कभी नहीं आ सकता ना एक बार फेंका तो टेन कैसे आएगा एडिशन क्लियर तो वो केस में आंसर होगा नन अगर लेट्स अज्यूम एज पर द क्वेश्चन अगर दो बार डाई फेंका है तो टोटल टोटल सैम्पल स्पेस में दो लोग होते हैं दो बार डाई डाई फेंक दिया सैम्पल स्पेस में थर्टी सिक्स ऑब्जर्वेशन एडिशन चाहिए टेन टेन कब आएगा एडिशन फोर सिक्स वाले फाइव फाइव वाला और सिक्स फोर वाला तो तीन लोग तो आंसर वो केस में वन बाई टू एल्व सो so डिपेंड अगर क्वेश्चन सही है तो नन लिखना सिंगल थ्रो में टेन आ ही नहीं सकता बट अगर दो बार डाई फेंका गया लेट्स एज्यूम इफ इज करेक्शन आंसर वुड हैव वु बाय ट्वेल्थ तो अ डाइस इज रोल थ्री टाइम्स इफ गेटिंग अ फोर इज कंसिडर्ड अ सक्सेस फाइंड द वेरियंस ऑफ द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ सक्सेसेस बाइनोमियल से इजिली सॉल्व हो जाएगा एक्सपेरिमेंट आपने कितने बार किया तीन बार सक्सेस मतलब पी कौन है ध्यान से समझना गेटिंग अ फोर अगर आपने एक बार डाई फेंका एक बार, एक बार एक्सप्लेन करेंगे डाई फेंका क्या क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स टोटल कितने सैंपल स्पेस में एलिमेंट्स है सिक्स सक्सेस किसको बोला फोर आना फोर कब जब फोर आया तो कितने लोग एक तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मिल गया वॉट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर वन माइनस पी ना वन माइनस वन बाय सिक्स इज फाइव बाई सिक्स क्वेश्चन को क्या चाहिए वेरियंस वॉट इज वेरियंस फॉर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एन इंटू पी इंटू क्यू थ्री इंटू वन बाई सिक्स इंटू फाइव सही है द प्रोबेबिलिटी दैट ये अपन ने किए है भाई ये रेफरेंस जान मुझ के दिया है यार सो दैट यू अंडरस्टैंड पी वाई क्यूज एम टी पीज स्टडी मटेरियल मॉड्यूल जिसको मैं बोलता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है यार सब उसमें से ही आता है एक्सरसाइज एक

एक जो बोल रहा है दूसरा उसका उल्टा बोल रहा है मतलब ए ने सही बोला तो बी ने झूठ बोला होगा या तो फिर ए ने झूठ बोला बी ने सही बोला तो इसको अपन ने कैसे लिखा भाई प्रोबेबिलिटी दैट ए सेम टाइम बी लाइज और ए लाइज एंड बी से ट्रूथ नाउ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स ए ट्रूथ बोल रहा है तो बी एक्चुअली कुछ भी बोल सकता है कंडीशन अपन को डाली है अपन अपन ने डाली है बट इन दिस केस इफ ए इज सेइंग बी कैन से एनीथिंग राइट बट अपन को ये कंडीशन सॉल्व करना है करके अपन ने यह किया तो इंडिपेंडेंट इवेंट से तो प्रोर्टी ऑफ ए इंटू प्रोर्टी ऑफ बी डैश मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना इंडिपेंडेंट इवेंट से तो चलिए वॉट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फोर बाय फाइव प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश तो इसको वन में से सपराइट किया वन माइनस थ्री बाय फोर वन बाय फोर प्रोविटी ऑफ ए डैश वन माइनस फोर बाय फाइव वन बाय फाइव प्रोविटी ऑफ बीज थ्री बाई फाइव चलिए फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी ऊपर फोर फाइव फोर ज ट्वेंटी ऊपर थ्री डिनोमिनेटर ट्वेंटी सेम फोर प्लस थ्री इज सेवन बाई ट्वेंटी सो आवर आंसर इज सो वो कॉन्ट्रैडिक्ट करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी सेवन बाई ट्वेंटी अ रैंडम वेरिएबल फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेक्टेड वैल्यू टू है वेरियंस वन पॉइंट टू है N निकालने बोला क्या बोला एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब एन इन टू पी वेरियंस मतलब एन पी क्यू इसमें एन पी के जगह टू डाल दे तो टू क्यू इज वन पॉइंट टू तो क्यू कितना वन पॉइंट टू अपॉन टू जीरो पॉइंट सिक्स वन में से इसको सप्ट्रैक्ट किया तो पी मिल गया ये उधर डाल दो एन इन टू जीरो पॉइंट फोर इज टू सो एन इज टू अपॉन जीरो पॉइंट फोर ट्वेंटी बाई फोर फाइव स्टार्ट बहुत फटाफट रहा भाई इफ एक्स इज अ बाइनोमियल वेरिएट विथ पैरामीटर ये एन ये तो ये एन है ये पी होगा एन एन पी आर टू पैरामीटर ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वॉट इज द मोड मोड का फॉर्मूला क्या है एन प्लस वन इन टू पी एन कितना है अपना फिफ्टीन प्लस वन इन टू वन थ्री तो सिक्सटीन इन टू वन थ्री थ्री फाइव फिफ्टीन फाइव अगर नॉन इंटीजर वैल्यू आती है तो अपन उसका इंटीजर वाला वैल्यू मोड लेते तो इधर मोड कितना है फाइव पक्का द मीन डिविएशन अबाउट मीडियन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरियंट मीन डिविएशन चाहिए मीन डिविएशन चाहिए किसका स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरियंट व्हाट इज मीन डिविएशन जीरो पॉइंट एट इन सिग्मा होता है बट सिग्मा इधर वन होगा क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट बोला तो मीन डिविएशन कितना है भाई जीरो पॉइंट एट क्लियर नेक्स्ट क्वार्टल डिविएशन ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन म्यू एंड ये सिग्मा क्या मांगा क्वार्टाइल डिविएशन कैसे निकालने का क्वार्टाइल डिविएशन व्हाट इज क्यू डी का फॉर्मूला जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू सिगमा Into 4, standard deviation, मतलब सिग्मा रहे मेरे को लगता है मॉड्यूल में है यार जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इंटू फोर क्योंकि ये किया ऐसे इंसान की किधर तो टू पॉइंट सेवन इफ टू क्वार्टल्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स मी एंड सिग्मा स्क्वायर आर दिस एंड दिस तो ये quartile नंबर वन है ये quartile नंबर थ्री है what इज द स्टैंडर्ड deviation मतलब सिग्मा मांगा है फॉर्मूला, क्यू वन क्या होता है सिग्मा, सिग्मा। सिग्मा, क्या होता है म्यू प्लस तो अपन ने बोला Q3, म्यू प्लस Q3 कितना दिया सिग्मा कितना फोर्टीन पॉइंट सिक्स एड ये कट हुआ दोनों प्लस माइनस टू म्यू ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर फोर्टी ना फोर्टी तो मीन मेरे को आ गया ट्वेंटी राइट फोर्टी बाय टू वी नीड द वैल्यू ऑफ सिग्मा तो किस में भी डाल दो इसमें डाल म्यू पता है मेरे को ट्वेंटी प्लस जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव इज ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर ट्वेंटी उधर जाके सप्रैक्ट हुआ तो जीरो पॉइंट सिक्स सेवन फाइव सिग्मा कितना हो गया फाइव पॉइंट फोर तो सिग्मा कैसे आएगा फाइव पॉइंट फोर अपॉन जीरो स्टैंडर्ड डिविएशन एट क्लियर वेन पी इज लार्ज देन जीरो पॉइंट फाइव बाई नोबल डिस्ट्रीब्यूशन इज ए सीमेट्रिक फ्रॉम आर नोट ए सीमेट्रिक और स्क्यूड कब होता है जब फाइव पॉइंट जीरो पॉइंट फाइव से कम है या जीरो पॉइंट फाइव से ज्यादा है अ डाई इज थ्रोन हंड्रेड टाइम्स इफ गेटिंग एन even नंबर इज कंसिडर्ड एज सक्सेस then द वेरियंस भाईओं मिल से करेंगे वेरियंस क्या होता है एन पी क्यू ये अपना एन है अब इधर पी कौन है देख ध्यान से डाय फेंक रहे हैं आप Die. गेटिंग एन ईवन नंबर इज सक्सेस टोटल आउटकम्स कितना सैंपल स्पेस में? एक डाई फेंका तो छः. Even मतलब टू फोर सिक्स हाउ मेनी have पी क्यू क्या होगा वन माइनस हाफ हाफ पुट करो उसमें हंड्रेड इंटू वन बाय फोर इंटू वन बाय फोर क्लियर है क्या हंड्रेड सिक्सटीन ये वन बाय फोर की था रखे सो सॉरी यार पी अपना हाफ है क्यू भी अपना हाफ है हंड्रेड बाय फोर ये तो सीधा ट्वेंटी फाइव क्लियर मैंने गलती से उधर वन बाय फोर लिख दिया था टू रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ई अदर आर विल बी इक्वल टू जीरो फ्रॉम आर नोट द रिग्रेशन लाइन्स आर परपेंडिकुलर वेन दे आर थ्री नाइनटी डिग्री तो आर होता है जीरो मीन्स दे आर अनको रिलेटेड इफ आर इज जीरो पॉइंट सिक्स कोइफिशेंट ऑफ नॉन डिटर्मिनेशन क्या होता है भाई वन माइनस आर स्क्वायर तो वन माइनस जीरो पॉइंट सिक्स का स्क्वायर वन माइनस जीरो पॉइंट थ्री सिक्स तो जीरो पॉइंट सिक्स फोर आ जाएगा सम ऑफ डिफरेंसेस इन रैंक्स ऑफ मार्क्स ऑप्टेन इन पी सी बाई टेन स्टूडेंट्स इन वन फिफ्टी आर वन माइनस सिक्स डी आई स्क्वास बोला कितना स्टूडेंट है टेन तो टेन इन टू टेन स्क्वायर माइनस वन तो सॉल्व कैसे हो रहा है वन माइनस सिक्स इंटू वन फिफ्टी अपॉन नाइन इंटू सॉरी टेन इंटू टेन का स्कोय लेट्स सॉल्व दिस टेन इंटू नाइनटी नाइन जो भी आया एम प्लस कर देता हूं सिक्स इंटू वन फिफ्टी किया डिवाइड बाय मेमोरी रिकॉल जीरो पॉइंट नाइन जीरो नाइन जीरो आ रहा है इसको मतलब ये सारा इसको नेगेटिव बनाए और वन ऐड कर देते तो आंसर क्या आ रहा है अपना ये ये सप्ट्रैक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है जीरो पॉइंट जीरो आप लिख सकते हैं और ये मतलब राउंड अप किया मस्ट बी डैश अपन ने ये सीखा है बी वाई एक्स और बी एक्स वाई समझो दो अपने रिग्रेशन को इफ वन इज ग्रेटर देन जीरो मस्ट भी लेस देन जीरो अगर पहला लेस देन जीरो दूसरा कुछ भी हो सकता है लेस भी हो सकता है ग्रेटर भी हो सकता है कंडीशन क्या है अगर पहला वन से बड़ा है तो दूसरे को वन से छोटा होना है इफ वन डिग्री आएगा इफ वन डिग्री मोर देन यूनिटी अदर मस्ट भी डेफिनेटली लेस देन यूनिटी नेक्स्ट फाइंड द कोशन आर चाहिए तो इधर आपको बी वाई एक्स और बी एक्स वाई चाहिए आप जैसे कर सकते हैं करिए मेरा ये तरीका है मैंने इधर एक बार थ्री वाई इधर लिखा तो टू एक्स उधर गया माइनस बनेगा रे माइनस टू एक्स और उधर ऑलरेडी कौन है टू तो इधर से वाई कितना माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री सो दिस इज माई बी वाई एक्स फॉर नाउ इधर से फोर एक्स रखा अभी इधर सो माइनस थ्री वाई प्लस फोर सो so, x कितना आया माइनस थ्री बाय फोर वाई फोर अपन फोर हुआ वन तो ये मेरा बी एक्स वाई हुआ अब मैं चेक करता हूँ यार बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई लेस देन वन होना चाहिए माइनस टू बाई थ्री इंटू माइनस थ्री बाय फोर माइनस माइनस प्लस टू अंदर ये हाफ ये लेस देन वन है तो अपना ये एजम्पन करेक्ट है नहीं तो फिर दूसरा कर सकते तो आर स्क्वायर क्या होता है भाई बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई ये प्रोडक्ट ऑलरेडी अपने पास है हाफ आर स्क्वायर हाफ तो आर कितना हो गया भाई इसका स्क्वायर रूट बट देखिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई दोनों नेगेटिव है तो आर भी नेगेटिव आएगा और स्क्वायर रूट किसका हाफ का इज दिस क्लियर आर स्क्वायर हाफ है तो आर इसका स्क्वायर रूट हुआ नेगेटिव क्यों क्योंकि तुम दोनों नेगेटिव तो आर भी नेगेटिव होता है वन डिवाइडेड बाई टू जीरो पॉइंट फाइव का स्क्वायर रूट लेंगे जीरो पॉइंट सेवन जीरो सेवन मतलब जीरो पॉइंट सेवन वन को इफिशेंट ऑफ को रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई जी तो आर है को वेरियंस दिया है स्टैंडर्ड मतलब सिग्मा एक्स आपको दिया है फोर स्टैंडर्ड चाहिए कैसे करेंगे आर इज इकल टू को वेरियंस ऑफ एक्समाग्मा एक्स इंटू सिगमा वाई आर है जीरो पॉइंट फाइव को वेरियंस है सिक्सटीन फोर इंटू सिगमा वाई तो आपने क्या किया सिग्मा वाई इधर ये उधर <coughs> समझे रहे ये इधर वो इधर फोर इंटू जीरो पॉइंट फाइव मतलब टू सिक्सटीन बाई टू एट जैन ट्वेंटी वन में डिटो क्वेश्चन आया था भाई लेट डू लास्ट फाइव फ्रॉम इंडेक्स नंबर्स क्या बोल रहे हैं फिशर इंडेक्स नंबर इज डैश ऑफ डैश ऑफ लास्ट पेयर्स एंड पैस जोमेट्रिक मीन सर्कुलर टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय विच लैसपेयर्स नो पैस फिशर्स नो ओनली आउट ऑफ दिस फोर सिंपल जोमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव हाँ समेस दिए हुए चाहिए तो लैसपेयर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई समेशन ऑफ पी वन क्यू जीरो अपॉन समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इन टू हंड्रेड इधर वन के जगह एंड दिया तो एंड डाल दो यार क्या फर्कता है जैन ट्वेंटी वन सॉरी एम टी पी वन में किया हुआ है ट्वेंटी वन के

द कॉस्ट ऑफ इंडेक्स नंबर मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज प्राइस क्वान्टिटी नई इट इज वेटेड इंडेक्स नंबर वी इन चैन ट्वेंटी वन सही है इधर अपना सब हंड्रेड क्वेश्चन कवर होता है आई होप आपको कॉन्फिडेंस आया एंड वो रेफरेंस काम आ रहा है इफ़ यूव एनी डाउट्स प्लीज टू लेट मी नो परफेक्ट ऑल द बेस्ट चाहिए